मोशन मोशन बोले तो मूवमेंट के लॉज होते हैं और क्या थैंक्स टू सर आइजैक न्यूटन आज पढ़ेंगे हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हेलो एवरीवन मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास इलेवन फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन का वन शॉट धमाकेदार वीडियो हमेशा की तरह पूरे लेसन को खत्म करेंगे सिर्फ एक वीडियो में और इस एक, एक वीडियो को देखने के बाद हमेशा की तरह आपके कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हाफ द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब कुछ एब्सोल्यूटली फॉर फ्री एट लर्नो तैयार है सभी लोग तैयारी होंगे आई गेस लेट्स गेट स्टार्टेड Uh, अब अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें जहां पर हम देख रहे हैं कि ये बच्ची बड़े ही प्यार से अपने टॉय को खींच रही है अब यहां पे हो क्या रहा है जितनी देर तक ये टॉय को खींच रही है उतनी देर तक टॉय मोशन में है जैसे ही रुक गई वैसे ही रुक गया राइट इसका मतलब यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो टॉय है ये मूव करता रहे ये मोशन में रहे तो उसके लिए क्या करना होगा इस बच्ची को ऑल द टाइम एक फोर्स अप्लाई करना होगा राइट right? तो मतलब एरिस्टोटल जी ने सही कहा था नॉट mm, रियली really. क्योंकि एरिस्टॉटल जी मिस कर गए थे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिव फोर्सेस जो कि यहां पर है फ्रिक्शन एग्जैक्टली exactly. तो बच्चों होता कुछ यूं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे रियल लाइफ में क्या होता है वहां पे वहां पे ये होता है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव करके छोड़ देते हो राइट right? तो वो ऑब्जेक्ट खुद से मूव क्यों नहीं करता है यहां पे ये टॉय कार खुद से मूव क्यों नहीं कर रहा था क्योंकि फ्रिक्शन फ्रिक्शन कौन है मोशन का दुश्मन फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि भाई मोशन ना हो मोशन को अपोज करता है तो फ्रिक्शन बोलते हैं कि अच्छा कोई इसे खींच नहीं रहा है तो मैं इसका मोशन क्यों होने दू तो फ्रिक्शन इसे रोक देता है तो ये टॉय कार रुक जाती है राइट right? लेकिन जैसे ही ये बच्ची जैसे ही ये बच्ची एक फोर्स अप्लाई करती है जो कि फ्रिक्शन के फोर्स से ज्यादा है तो क्या हो जाता है ये टॉय कार मूव करने लगती है राइट right? तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि एरिस्टोटल जी ने जो लॉ दिया था जो एरिस्टोटल लॉ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन था वो ट्रू तभी तक है जब तक रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है राइट right? इसका मतलब जब तक फ्रिक्शन है मान लो अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तो इसे रोकने वाला कोई होता ही नहीं उस केस में अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी लगाते तब भी दंड हुए ये अपने यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता टॉय कार है कि नहीं लेकिन ये रुका क्यों क्योंकि वहां रेजिस्टिव फोर्सेस हैं तो इसका मतलब है कि एरिस्टोटल्स लॉ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में एक करेक्शन की जरूरत थी एरिस्टोटल्स लॉ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कुछ ऐसा होना चाहिए था कि एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज नीड्स एन एक्सटर्नल फोर्स ओनली इफ रेजिस्टिव फोर्सेज आर प्रेजेंट राइट अब आप बोलोगे कि लेकिन मैम रेजिस्टिव फोर्सेस एज सच तो प्रेजेंट होते ही हैं जैसे कि फ्रिक्शन हो गया या एयर रेजिस्टेंस हो गया तो ये सब इन जनरल तो प्रेजेंट होता ही है इनफैक्ट ये तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं हर जगह प्रेजेंट होते हैं सोच के देखो पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं और इसी बात पर पिक्चर में आ गए गैलीलियो जिन्होंने एक ऐसे वर्ल्ड की इमेजिन करने की कोशिश की जहां पर फ्रिक्शनल फोर्सेस है ही नहीं भाई कोई विलन है ही नहीं मोशन में यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल हो पाएगा विदाउट एनी फ्रिक्शनल फोर्सेज ऑपोजिंग ठीक है तो गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया उन्होंने क्या किया एक ऑब्जेक्ट एक लिया ठीक है उसे एक इनक्लाइंड प्लेन पे ऊपर से नीचे की तरफ भेजा ठीक है उन्होंने क्या देखा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो और तेजी से मूव करने लगा यानी कि वो एक्सेलरेट हो गया डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मतलब इट इज एज सिंपल एज दैट कि अगर आपको साइकिलिंग करनी हो और अगर आपको डाउनहिल साइकिल करना है मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो स्लोप में तो क्या होता है बड़े आसानी से आप जल्दी नीचे चले जाते हो राइट लेकिन वही अगर मैं उल्टा काम दे दूं यानी कि आपको नीचे से ऊपर जाना है अप हिल साइकिल करना है तो बुरी हालत हो जाती है यू नो सांस फूलने लग जाती है राइट वैसा ही कुछ होता है तो गैलीलियो ने भी वही ऑब्जर्व किया कि जब उसी ऑब्जेक्ट को वो नीचे से ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे थे तो क्या हो रहा था रिटार्डेशन हो रहा था यानी कि उनकी उसकी एक्सलरेशन बढ़ने की बजाय कम हो रही थी राइट अब गैलीलियो ने क्या किया उसने बोला कि ठीक है इनक्लाइन प्लेन की जगह मैं ले लेता हूं एक हॉरिज़ॉन्टल प्लेन ठीक है जैसे ही उन्होंने हॉरिज़ॉन्टल प्लेन लिया तो उन्होंने क्या देखा कि ना तो एक्सेलरेशन हो रहा था ना ही रिटार्डेशन हो रहा था इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था एक्सेलरेशन जीरो रिटारो मतलब क्या हो रहा है बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है राइट right? तभी तो एक्सेलरेशन जीरो होता है यानी कि बॉडी किस तरह के मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में है एग्जैक्टली exactly. तो इसका क्या मतलब हुआ तो गैलीलियो के इन एक्सपेरिमेंट्स का उनका एक सिंपल सा कंक्लूजन निकला कि अगर हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा और उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होगी वो खुद ब खुद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और इसी के साथ आया गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया जो ये कहता है कि अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस सरफेस एग्जैक्टली चलो ये तो समझ में आ गया लेकिन यहाँ पर मैंने हल्के में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया एंड इज अभी-अभी मैंने बोला गैलीलिय लॉ ऑफ इनर्शिया अब दिमाग में घंटी बजी कि भाई इनर्शिया क्या होता है चलो देखें इनर्शिया होता क्या है रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन बोलने का मतलब है कोई भी बॉडी जिस भी स्टेट में है करेंटली फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो प्रेफर करता है कि यार वो रेस्ट में ही रहे उसे अगर आप मोशन में भेजना चाहोगे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा रेजिस्ट करेगा उस चेंज को सिमिलरली अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है उसे अगर आप रेस्ट में लाना चाहोगे तो कहीं ना कहीं अगेन वो रेजिस्ट करेगा और उसे रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इनर्शिया इट इज लाइक लेट्स से इतने साल से लाइक इतने साल मतलब एटलीस्ट डेढ़ दो साल से आप स्कूल तो गए नहीं पैंडेमिक की वजह से तो अब आपको सुबह नौ बजे उठने की आदत पड़ गई है अब अचानक से स्कूल खुल गए मम्मी ने बोला कि भाई कल से छह बजे उठना है सो हाउ डू यू फील आपको ऐसा लगता है कि छह बजे नहीं मम्मी तो कहीं ना कहीं अंदर से एक रेजिस्टेंस आती है तो आप मम्मी को कन्विंस करने की कोशिश करते हो को, नहीं मम्मी छह बजे नहीं सात बजे उठ जाऊंगा राइट right? होता है ऐसा ओके okay, अब ये बात अलग है कि अगर उठना है तो उठना है भले मार खा के उठना है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर राइट बट बोलने का मतलब है जो करंट स्टेट है बॉडी का राइट right? उससे कोई भी चेंज के लिए जो रेजिस्टेंस बॉडी ऑफर करता है उसे हम कहते हैं इनर्शिया डे टू डे लाइफ में ना इनर्शिया के बड़े ही प्यारे प्यारे एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं तो फिलहाल हम लेंगे एक ऐसा ही एग्जांपल और समझेंगे इनर्शिया का रोल वहां पे ठीक है मान लो आप बस में खड़े हो ऊपर जो वो हैंडल होता है उसको आपने कस के पकड़ ली है एंड मजे में खड़े हो बहुत भीड़ है सीट नहीं मिली है ठीक है बस फिलहाल रेस्ट पे है लेकिन अचानक ड्राइवर ने बस को एकदम झटके से स्टार्ट कर दिया और आपने क्या एक्सपीरियंस किया एक बैकवर्ड झटका अब सोचने वाली बात यह है कि यार बस तो आगे मूव की थी फिर झटका मैंने पीछे क्यों फील किया मैं यू बैकवर्ड जर्क क्यों फील किया दैट्स गुड क्वेश्चन अब यहां पे जो यू you नो know, ये जो भी हुआ इसके पीछे जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज इनर्शिया होता कुछ यू है कि अभी जब आप बस में खड़े हो आपका पैर जो है वो बस के सरफेस के कांटेक्ट में है एग्जैक्टली फोर्स एक्ट कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एब्सोल्यूटली अगर एक बार के लिए मान लो कि फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं ना तो जो बस का जो सरफेस है ना वो आपके पैर के नीचे से यूं स्लिप करके आगे निकल जाता ठीक है और क्या होता आप वहीं के वहीं रहते लेकिन बस का नीचे का सरफेस स्लिप करके आगे निकल जाता और थोड़ी देर में पीछे से बस का जो बैक साइड है ना वो आगे ढूंढ आपसे टकराता बट ऐसा होता है क्या नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि फ्रिक्शन है राइट अब चूंकि फ्रिक्शन है तो होता कुछ यूं है कि आपका पैर और बस का जो सरफेस है नीचे का ये दोनों एक दूसरे के टच में है इनके बीच में फ्रिक्शन का फोर्स है जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ है तो अब क्या होता है जैसे ही ड्राइवर ने अचानक से बस स्टार्ट कर दिया तो बस का जो सरफेस है वो आगे मूव कर रहा है जिसकी वजह से आपका पैर भी काइंड kind ऑफ of आगे चला जा रहा है लेकिन हमारी जो बाकी की बॉडी है वो तैयार नहीं है यार आगे जाने के लिए वो रेजिस्ट कर रही है कि यार मैं तो रेस्ट पे था मुझे रेस्ट पे ही रहने दो तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि मेरा पैर तो आगे बढ़ गया बट मेरी बॉडी वहीं रह गई तो एज अ रिजल्ट बैकवर्ड जर्क अब जैसे ही ये होता है तो क्या होता है हमारे बॉडी के जो मस्कुलर फोर्सेस हैं ना वो फटाफट पिक्चर में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि अरे भाई चलो चलो मूव करना है मतलब लोगों को नहीं बोलते हैं हमारे बॉडी के अंदर ही वो ये इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड एज अ रिजल्ट हम देखते हैं थोड़ी देर में ये जो जर्क मिलता है ना बस एक बार के लिए झटका मिलता है उसके बाद यू मूव विद द बस ठीक है तो ये पिक्चर होता है यहाँ पर और आपने देखा कि किस तरह से इनर्शिया प्लेजर रोल और बिल्कुल सेम टू तो सेम कहानी तब भी होती है जब बस चल चलती रहती है और चलते चलते अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगा देता है तो उस समय भी एग्जैक्टली सेम टू तो सेम यही कहानी होती है अब इसका एक पहलू और है कि अगर अचानक से ब्रेक ना लगा के या फिर अचानक से बस को स्टार्ट ना करके अगर ड्राइवर आराम से बस को स्टार्ट करता है तब हमें ये जर्क महसूस नहीं होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब बस ग्रेजुअली स्टार्ट होती है तो उस समय ये जो फ्रिक्शनल फोर्स की मैं बात कर रही थी जो हमारे पैर और बस के सरफेस के बीच में होता है तो उस समय क्या होता है कि फ्रिक्शन के पास इनफ टाइम होता है कि वो ग्रेजुअली हमारे पैर को एक्सेलेट करे या फिर हमारे बॉडी को बस के साथ मूव करवाए सो दैट्स द रीज़न वहाँ पर जो है ना हमें वो रेजिस्टेंस उतना फील नहीं होता है बिकॉज इट इज़ लाइक जैसे मान लो आप सुबह नौ बजे उठ रहे थे ठीक है अब मम्मी ने बोला कि भाई एक महीने बाद से स्कूल खुलने वाला है तो मम्मी ने क्या किया बोला कि चलो तुम नौ बजे उठते हो कल से तुम एट थर्टी उठ जाओ तो तुम्हारा रेजिस्टेंस थोड़ा कम होगा है ना चलो नौ बजे उठ रहे थे आधे घंटे की बात है उठ जाएंगे मम्मी है ना फिर मम्मी ने अगले हफ्ते बोला कि भाई अब तुम आठ बजे उठ जाओ तब फिर से रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है क्योंकि लगता है कि यार साढ़े आठ उठ रहे थे चलो आठ बजे उठ जाएंगे ठीक है ऐसे करते करते एक महीने में मम्मी ने ग्रेजुअली आपकी हैबिट नौ बजे से छह बजे में घरवा दी तो आपका रेजिस्टेंस यहां पर क्या हुआ कम था तो आपने ग्रेजुअली ये हैबिट डाल दी ठीक है तो कुछ वैसा ही पिक्चर यहां भी होता है तो समझ में आ गया ना इनर्शिया क्या होता है तो बच्चों इसका मतलब कहानी का समरी क्या हुआ कि गैलीलियोज लॉ ने फॉल्सिफाई कर दिया था एरिस्टोटल्स लॉ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को ठीक है इनफैक्ट गैलिओ लॉ ऑफ इनर्शिया जो था ये फाउंडेशन था ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इस लेसन में वही तो पढ़ने वाले हैं राइट न्यूटन और न्यूटन के तीन लॉज थे तो अब हम कहानी शुरू कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में, में ही रहेगा जब तक उनके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए एंड दिस वॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनफैक्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ को कहने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है कि अगर किसी भी सिचुएशन में अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में है ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है उसके एक्सेलरेशन क्या है जीरो है राइट right? उसके एक्सेलरेशन जीरो अगर बॉडी रेस्ट पे है मूव ही नहीं कर रहा है यार तो एक्सेलरेशन जीरो है अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है यार यानी कि वहां भी एक्सेलरेशन जीरो है तो इसको कहने का एक तरीका और है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है राइट right? तो एक्सेलरेशन क्या होगा ज़ीरो होगा और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब बॉडी या तो रेस्ट पे है या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका मतलब कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था ना द फर्स्ट लॉ वाज एप्लीकेबल फॉर ऑल केसेस जहां पर नेट फोर्सेस जीरो यानी कि जहां पर एक्सटर्नल फोर्स जो है ना वो ज़ीरो है क्योंकि फर्स्ट लॉ यही तो कहता है जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर लगे यानी कि हम बात ऐसे सिचुएशन की कर रहे हैं जहां पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है बॉडी या तो रेस्ट पे है या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन पे है लेकिन जैसे ही हम ऐसे सिचुएशन की बात करने लगते हैं जहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नॉट जीरो यानी कि हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वैसे सिचुएशन में क्या आ जाएगा पिक्चर में एक्सेलरेशन एबसोल्यूटली तो अभी तक जब तक हम फर्स्ट लॉ की बात कर रहे थे तब तक हम कह रहे थे कि भाई ऐसे सिचुएशन जहां फोर्स इज जीरो अब सेकेंड लॉ तब पिक्चर में आता है जब हम बात करते हैं कि भाई नॉन जीरो फोर्स है जहां नॉन जीरो फोर्स है वहां नॉन जीरो एक्सेलरेशन भी है और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन अब सोचने वाली बात है कि यार ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से अब ये कहां से आया ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी विच इज कॉल्ड मोमेंटम तो मोमेंटम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का बोलेगा का मतलब है कि अगर हमारे पास एक बॉल है जिसका मास है लेट्स से 1 केजी और जो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड तो उसका मोमेंटम हो जाएगा 1 10 दैट इज 10 के जी मीटर पर सेकेंड सो दैट्स द मोमेंटम ऑफ द बॉल ठीक है मोमेंटम एक व्यक्त क्वान्टिटी है इसे जनरली हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर पी से तो इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं पी इज इक्वल टू एम वी अब सोचने वाली बात यह है कि फोर्स और मोमेंटम में कनेक्शन क्या है इस कनेक्शन को समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि मोमेंटम किन किन चीजों पर डिपेंडेंट है मास और वेलॉसिटी ठीक है तो अभी हम देखेंगे कि फोर्स का डिपेंडेंसी ऑन मास एंड वेलॉसिटी ठीक है सबसे पहले बात करते हैं मास की अब लेटर्स सपोज कि आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज्यादा है यानी कि एक बहुत हेवी ऑब्जेक्ट है ठीक है अब उस हेवी ऑब्जेक्ट को आपको मोशन में लेके आना है वो हेवी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है लेटर्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ कार एक रियल कार का एग्जांपल लो जो हैवी है ऑब्वियसली और ये रेस्ट पर है अब इसे अगर मूव करना है लेटेस्ट से कि मैं आपको ये नहीं कह रही कि गाड़ी की चाबी लो और गाड़ी स्टार्ट करो नो नॉट लाइक दैट अगर आपको इस कार को पुश करके मूव करना है डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी एन ईजी टास्क नॉट रियली लेकिन वहीं अगर मैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट को लूं जिसका मास बहुत कम है जैसे कि ये टॉय कार

तो फोर्स ज़्यादा चाहिए होगा करेक्ट सिमिलरली अगर हम इसका ये भी देखें कि उसी तरह अगर ये हेवी ऑब्जेक्ट मोशन में रहता ये बड़ी वाली कार अगर चलती हुई रहती और मुझे उसे यू रोकना होता अगर मैं सुपरमैन होती तब तो भले रोक लेती बट अदरवाइज नहीं हो पाएगा कार मेरे ऊपर से जा चुकी होगी राइट तो यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा एक हेवी ऑब्जेक्ट जो मूविंग है उसको स्टॉप करने के लिए बट दूसरी तरफ अगर एक लाइट ऑब्जेक्ट है जो मूव करता हुआ आ रहा है उसे रोकना है यू सी क्वाइट सिंपल एंड ईजी राइट तो इसका मतलब चाहे हम उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ले जाना चाहें या मोशन से रेस्ट पे लाना चाहें अगर ऑब्जेक्ट हेवी है यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा चाहिए होगा मास कम है तो फोर्स कम चाहिए होगा ठीक है तो ये तो थी फोर्स की डिपेंडेंसी ऑन मास अब बात करते हैं वेलोसिटी की लेट अस से कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं एंड लेट्स से दोनों सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है मतलब सिमिलर मास के ऑब्जेक्ट्स हैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही तेजी से मूव करता हुआ आ रहा है ठीक है उसे रोकना आसान होगा थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो बहुत तेजी से आ रहा है तो उसे रोकना मुश्किल है लेकिन दूसरी तरफ एक ऑब्जेक्ट जो बहुत धीरे से आ रहा है उसे रोकना आसान है राइट right? तो इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स ज्यादा हाइयर वेलोसिटी से आ रहे हैं उन्हें स्टॉप करना करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए जो कम वेलोसिटी से आ रहे हैं उन्हें स्टॉप करने के लिए कम फोर्स चाहिए तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि फोर्स की डिपेंडेंसी मास और वेलोसिटी दोनों पे है और मास और वेलोसिटी से बनता है मोमेंटम तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जितना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होता है उतना ही ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होता है मोमेंटम का चेंज जितना होता है उतना ही फोर्स नीडेड होता है ठीक है यानी कि फोर्स का डायरेक्टली रिलेशन है किससे चेंज इन मोमेंटम से सिर्फ चेंज इन मोमेंटम नहीं चेंज इन मोमेंटम विथ टाइम यहां पे टाइम का भी रोल है कैसे अगला एग्जाम्पल देखो तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल लेटर सपोज कि एक क्रिकेट का मैदान है जहां पर एक तरफ है धोनी तो दूसरी तरफ है टोनी टोनी कौन है पता चलेगा अभी तो धोनी जो कि एक बहुत ही सीजन क्रिकेटर हैं अब उन्हें अगर एक बॉल को कैच करना हो तो वो कैसे करते हैं बॉल खूब तेजी से आ रही है लेकिन वो जो है अपने हाथों को यू पीछे लाते हुए बॉल को कैच करते हैं और बहुत ही मस्त तरीके से वो बॉल को कैच कर लेते हैं और ख़ुद को हर्ट भी नहीं करते हैं अब दूसरी तरफ है टोनी जो कि नया नया क्रिकेट खेलना सीखे हैं तो मतलब बॉल कैच करना भी थोड़ा उनके लिए मुश्किल आता है इनफैक्ट मैं उन्हीं की कैटेगरी की हूँ मैंने तो शायद ही आज तक कोई बॉल क्या कुछ सामान भी कैच किया होगा इनफैक्ट मेरे घर पर बहुत मजाक भी उड़ाया जाता है इसी बात पर एनी वेज तो अब जब टोनी आए हैं बॉल कैच करने के लिए तो बॉल तो उसी तरह से तेजी से आ रही है और इन्होंने क्या किया अपने हाथ को यूं स्टैटिक रख दिया और बॉल आया और दाएं क्या हुआ उन्हें अपने हाथ में बहुत ज़्यादा चोट आ गई राइट right. अब यहाँ पे अगर आप देखो ये जो दोनों तरीके थे बॉल को कैच करने के उसमें फ़र्क क्या था पहले तरीके में जो हाथ था उसे धीरे धीरे पीछे लाया जा रहा था ताकि बॉल को अपना स्पीड को कम करने में थोड़ा सा और टाइम मिल जाए ज़्यादा टाइम को बढ़ाया जा रहा था ठीक है इसका मतलब वो बॉल का जो मोमेंटम का जो चेंज हो रहा था क्योंकि पहले बॉल एक वेलोसिटी से आ रही थी आपने उसको पकड़ लिया यानी कि आपने उसकी वेलोसिटी को जीरो कर दी वेलोसिटी में चेंज जो आया इस चेंज को आपने धीरे धीरे होने दिया यानी कि किसका रोल था टाइम का रोल था तो जब ये चेंज धीरे धीरे हुआ तो बॉल ने आपके हाथ में जो फोर्स लगाया वो कम था इसीलिए तो आपको चोट नहीं लगी राइट लेकिन वहीं जब आप यूं खड़े हो गए थे तो क्या हुआ ढाए से आके बॉल गिरी वहां भी चेंज इन मोमेंटम तो हुआ क्योंकि पहले बॉल कोई वेलोसिटी वी से आ रही थी और अचानक से आके उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई चेंज इन मोमेंटम हुआ लेकिन कैसे हुआ सडनली हुआ मतलब बहुत ही तेजी से मोमेंटम का चेंज हुआ चिक्कि बहुत ही तेजी से मोमेंटम चेंज हुआ इसीलिए फ़ोर्स ज़्यादा लगा इसीलिए आपको चोट भी ज़्यादा लगी तो यहाँ से हमें क्या पता चला फोर्स जो है सिर्फ चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करता है कि मतलब मोमेंटम कितनी तेजी से चेंज हो रहा है विथ टाइम अगर मोमेंटम बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है विथ टाइम तो फोर्स ज्यादा होगा अगर मोमेंटम बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है विथ टाइम तो फोर्स कम होगा सबको समझ में आया दिस वॉज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल थिंग राइट तो अब सबको समझ में आना चाहिए कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय डीटी यानी कि चेंज इन मोमेंटम विथ टाइम चलो भाई अब मोमेंटम समझ में आ गया फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन समझ में आ गया अब देखो चुटकियों में कैसे हम प्रूव करेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो कि एफ इज इक्वल टू एमए होता है ठीक है तो अभी हमने क्या सीखा फोर्स क्या होता है फोर्स किस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी मैंने ये भी बताया मोमेंटम क्या होता है पी की जगह लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी लिख डालो ठीक है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं एम इंटू डी वी बाई डी टी राइट चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इसे ही तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन तो लिख डालो तो क्या आ गया फोर्स इज इक्वल टू मास मासन दैट इज एग्जैक्टली वॉट न्यूटन लॉ से राइट तो यहां से हमें यह भी पता चलता है कि फोर्स का जो यूनिट जो एस SI आई यूनिट आमतौर पे हम न्यूटन uh, यूज करते हैं फोर्स के यूनिट को हम के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये थी कहानी न्यूटन सेकेंड लॉ की तो बच्चों चलो देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बहुत खास बातें तो सबसे पहली बात तो यह है कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है इट इज वेरी मच कंसिस्टेंट विथ न्यूटन फर्स्ट लॉ कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात कर रही हूं मैं बात कर ही क्यों रही हूँ राइट right? क्योंकि न्यूटन ने ये जितने भी लॉज दिए थे इन्हें एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट होना जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि भाई सेकेंड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तब तो चलेगा नहीं है ना तो चलो देखते हैं कि कैसे ये सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ के साथ कंसिस्टेंट है सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेन ठीक है और फर्स्ट लॉ क्या कहता है फर्स्ट लॉ वैसे सिचुएशन की बातें करता है जहां पर फोर्स जीरो है ठीक है अब मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन में अगर आप फोर्स को जीरो कर दोगे तो क्या होगा ऑब्वियस ही बात है कि भाई अगर फोर्स जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो भी जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन जीरो हो गया इसका मतलब क्या हुआ बॉडी एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा है यानी कि या तो वो बॉडी रेस्ट पर है वो मूव ही नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा या फिर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भाई जब वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा ना है कि नहीं तो इसका मतलब हम कहाँ जा पहुंचे द मोमेंट वी से एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है तो हम ये कह रहे हैं एक तरीके से कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगा कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे ठीक है तो देखो हमने शुरुआत की कहानी के सेकेंड लॉ से और हम आ पहुंचे कहां पर फर्स्ट लॉ पे यानी कि इट इज वेरी मच कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अब दूसरी खास बात यह है कि ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है दिस इज अ वेक्टर लॉ वेक्टर लॉ बोलने का मतलब क्या होता है यहां पर हम फोर्स की बात करते हैं राइट सेकेंड लॉ में तो वेक्टर लॉ है इसका मतलब है कि भाई ये जो इस फोर्स की तुम बात कर रहे हो ना इस फोर्स के एक्स कॉम्पोनेंट है इस कंपोनेंट है इसका जेड कॉम्पोनेंट भी है इसी तरीके से तो हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं राइट? यानी कि एक तरीके से हमारे बोलने का मतलब कुछ यूं है कि अगर मैं एफ एक्स की बात करूं मतलब उस फोर्स की बात करूं जो अलोंग द एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है तो मैं क्या लिख सकती हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू डी पी एक्स बाई डी टी क्योंकि फोर्स क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम राइट तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस ठीक है ठीक उसी तरीके से अगर हम एफ वाई की बात करें तो हम लिख सकते हैं डी पी वाई बाई डी टी जिसे हम लिख सकते हैं मास इंटू ए वाई और इन अ वेरी सिमिलर वे एफ जेड की अगर बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं डी पी जेड बाई डी टी जिसे हम फर्दर लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग द जेड एक्सिस तो ये कहानी है वेक्टर लॉ की मतलब भाई जो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन सेकेंड लॉ में हम जो ये एफ इजिक्वल टू एम ए की बात करते हैं यहां पर फोर्स हमारा क्या है दिस इज वेक्टर एंड दिस इज एक्चुअली अ वेक्टर लॉ इसीलिए यहाँ पर जब भी हम फोर्स की एडिशन की बातें करेंगे तो कौन से रूल्स लागू होंगे वेक्टर लॉ एग्जैक्टली वेक्टर लॉ सारे एप्लीकेबल होंगे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन वगैरह ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट कहता है कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ है इट इज डिफाइंड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शायद इसमें कुछ मैथमेटिक्स या फॉर्मूला नहीं है बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ डिफाइन हुआ था ये किसके लिए डिफाइन हुआ था पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए यानी कि बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए नाम से पता चल रहा है पॉइंट के जैसे जो ऑब्जेक्ट्स थे ठीक है तो इसीलिए जब कभी हम न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं फॉर लार्जर बॉडीज बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए जब हम इस लॉ की बात करते हैं तो कुछ हम चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं जैसे कि जैसे कि जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम है राइट तो यहाँ पर जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम किसकी एक्सेलरेशन की बात करते हैं वी टॉक अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम देखो बड़ा बॉडी कोई भी लार्जर बॉडी का मतलब ही क्या होता है लेट्स मैं एक लार्ज ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ इसका मतलब है दिस लार्ज ऑब्जेक्ट इज एज गुड एज इसके अंदर छोटे, छोटे 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 बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं एक तरीके से इसको इस तरीके से सोच सकते हो राइट मतलब उस बड़े से मास के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मासेस हैं ठीक है तो जब मैं कहती हूँ एक्सेलरेशन तो मैं किसके एक्सेलरेशन की बात करती हूँ उस पूरे सिस्टम का वो जो पूरा बड़ा सा जो लार्ज बॉडी है उस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की मैं बात करती हूँ ठीक है आगे चल के जब हम रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो रोटेशनल मोशन वाले वीडियो में आप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास क्या होता है हम एज्यूम कर लेते हैं अगर एक ऐसा कुछ सिस्टम है जिसमें छोटे 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 बहुत सारे मासेस हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि भाई अगर ऐसा मानना हो कि इस पूरे बॉडी का जो मास है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लोकेटेड है तो वो पॉइंट क्या होगा उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं अभी फिलहाल सेंटर ऑफ मास पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है वो एनी anyway समझ जाओगे जब रोटेशनल मोशन पढ़ोगे ठीक है तो बोलने का मतलब है जब हम बड़े बॉडीज की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन मतलब होता है उस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ठीक है उस केस में फोर्स का मतलब क्या होता है टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम मतलब इस पूरे सिस्टम में इस पूरे लार्ज बॉडी में जितना टोटल एक्सटर्नल फोर्स इसमें एक्ट कर रहा है बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें इंटरनल फोर्सेस हम काउंट नहीं करते हैं इंटरनल फोर्सेस कहाँ से आ सकते हैं बिल्कुल आ सकते हैं अभी एक मैं बड़े लार्ज बॉडी की बात करी हूं, तो अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट मासिस हैं उनके बीच में भी तो इंटरनल फोर्सेज होंगे ना लेकिन उन फोर्सेस को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं जब हम एक लार्ज बॉडी के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं तो एफ इज इक्वल टू एम ए में एफ इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दैट लार्ज बॉडी एंड ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट लार्ज बॉडी ठीक है क्लियर है ओके okay. अब देखो चौथा और आखिरी पॉइंट लेकिन एज ऑलवेज लास्ट बट नॉट लीस्ट ये कह रहा है कि फोर्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम ए ये जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं अगर हम इस फोर्स की बात एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एट टी इज इक्वल टू टी इस पॉइंट पर अगर हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि ये जो एक्सलरेशन है यहां परेशन भी उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में ही उसकी वैल्यू है राइट यानी कि अगर हम फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट या फिर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात कर रहे हैं तो ये जिस एक्सेलरेशन से प्रोपोर्शनल है वो भी उसी पॉइंट पे और उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्ट कर रहा है तो चलो बच्चों ट्राई करते हैं एक सवाल यहां पर है हमारा प्रॉब्लम नंबर वन जो कह रहा है अ कार ऑफ मास टू इंटू टेन टू दावर थ्री के जीज ट्रेवलिंग एट थर्टी सिक्स किलोमीटर चीजों पे ध्यान देना है ये रेस्ट पे आ जाता है ठीक है इन अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्टी मीटर्स बाय द एक्शन ऑफ ब्रेक्स एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस ठीक है ओके okay. अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एवरेज स्टॉपिंग फोर्स एंड द टाइम टेकन टू स्टॉप द कार सिचुएशन को समझो पहले एक गाड़ी है जिसका मास दिया हुआ है वो कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वो भी दिया हुआ है यानी कि ये क्या हो गया ये इसका इनिशियल स्पीड यू हो गया ठीक है ये हो गया इसका मास ठीक है ये थोड़ी देर के बाद रेस्ट पे आ जाता है मतलब गाड़ी रुक जाती है उस पर ब्रेक लगाया जाता है गाड़ी रुक जाती है यानी कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वी है दैट इज इक्वल टू जीरो फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं रुक गई है ओके इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर ये 50 मीटर किसकी वैल्यू है एस की वैल्यू है ठीक है हमें निकालना है एवरेज स्टॉपिंग फोर्स कितना फोर्स लगा उस गाड़ी को स्टॉप करने के लिए ये हमें निकालना है ठीक है तो सबसे पहले देखो क्या क्या चीजें दी हुई हैं यू दिया हुआ है एक तो यू दिया हुआ है हमें किलोमीटर पर आवर में तो फटाफट -फड़ से सबसे पहले हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे राइट बिकॉज़ ये भी हमारा केजी में दिया हुआ है एंड ये भी मीटर पे दिया हुआ है तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो हमें क्या पता है वन किलोमीटर इज़ वन मीटर तो भाई 36 के साथ 1000 मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय वन आवर वन आवर इज 60 मिनट्स एंड वन मिनट इज 60 सेकेंड तो यानी कि वन आवर इज 16 टू 60 सेकेंड्स तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड ठीक है अब यहां पर हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशन लगाएंगे क्योंकि काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से हमें क्या मिल सकता है एक्सेलरेशन मिल सकता है क्योंकि देखो ना अगर फोर्स निकालना है तुम्हें फोर्स कैसे निकालोगे न्यूटन सेकेंड लॉ से निकाल सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन मास तो तुम्हें पता है बट एक्सेलरेशन तुम्हें नहीं पता है एक्सेलरेशन इन वैल्यूज से कैसे निकालोगे काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से कौन सा इक्वेशन लगाएं चूंकि एस दिया हुआ है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस टू ए एस ये वाला लगा सकते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं v स्क्वायर हो जाएगा जीरो u स्क्वायर हो जाएगा टेन का स्क्वायर हंड्रेड प्लस टू इंटू ए इंटू एस है फिफ्टी मीटर ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हंड्रेड ए इज इक्वल टू माइनस हंड्रेड यानी कि a इज इक्वल टू माइनस वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है तो ये किसकी वैल्यू हो गई ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई नेगेटिव में नेगेटिव में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्यों आई सोचो क्योंकि यार गाड़ी स्टॉप हो रही है पहले ज्यादा वेलोसिटी थी ज्यादा वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी कम हो गई है तो यानी कि क्या हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू तो नेगेटिव ही आनी चाहिए है ना तो चलो एक्सेलरेशन निकल गया अब बात करते हैं फोर्स की फोर्स ही तो हमें निकालना था तो फोर्स क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन मास दिया हुआ है टू इंटू टेन टू द पावर थ्री और एक्सेलरेशन हमने अभी अभी निकाला वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो दिस विल बी इक्वल टू टू इंटू टेन टू द पावर थ्री तो ये टू इंटू टेन टू द पावर थ्री न्यूटन ये हो जाएगा हमारा स्टॉपिंग फोर्स तो पहला पार्ट तो क्वेश्चन का सॉल्व हो गया अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की जो पूछ रहा है कि टाइम टेकन टू स्टॉप द कार मतलब ये जो गाड़ी रुकी गाड़ी को रुकने में कितना टाइम लगा यानी कि हमें टी की वैल्यू निकालनी है कैसे निकाल सकते हैं देखो इतनी सारी वैल्यूज दी हुई है बड़ी आसानी से फिर से हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन के हेल्प से निकाल सकते हैं सिंपल सा पहला इक्वेशन होता था v इज इक्वल टू यू प्लस ए देखो v पता है u पता है a पता है तो t निकाल लेंगे बिल्कुल मजे से निकाल लेंगे तो v की वैल्यू है जीरो u की वैल्यू हमने निकाली थी टेन a की वैल्यू है माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस वन इंटू टी तो यानी कि t की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन सेकेंड्स सो दिस वुड बी द आंसर यानी कि 10 सेकंड के बाद गाड़ी क्या हो जाएगी गाड़ी हमारी स्टॉप हो जाएगी आप पहुंचे हैं बच्चों हम लोग अगले सवाल पे प्रॉब्लम नंबर टू कहता है द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ फाइव के जी ऑब्जेक्ट मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है फाइव के जी हेज कॉम्पोनेंट एफ एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन न्यूटन न्यूटन कि मैंने बताया था कि सेकेंड लॉ क्या है एक वेक्टर लॉ है तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स जो है दैट इज फिफ्टीन वर्टिकल कॉम्पोनेंट यानी कि एफ वाई जो है दैट इज ट्वेंटी फाइव न्यूटन फाइंड द एक्सेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें एक्सेलरेशन निकालना है देखो सिंपल सी बात है मास पता है एक्सेलरेशन निकालना है फोर्स फोर्स के कंपोनेंट्स पता है तो यानी कि मुझे सबसे पहले फोर्स निकालना है ठीक है हमने अभी अभी क्या सीखा था कि यार फोर्स को जो है हम ऐसे लिखते हैं right? तो अब अगर मुझे इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालना हो क्योंकि फिलहाल तो हम इसके मैग्नीट्यूड में ही इंटरेस्टेड है, है ना तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं इतनी वेक्टर्स तो हमें आती ही है रूट ओवर एफ एक्स का एफ वाई का स्क्वायर ऐसे ही तो निकालते हैं हम रिजल्टेंट है ना ओके okay. तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट ओवर एफ एक्स की वैल्यू है 15 तो 15 का स्क्वायर प्लस एफ वाई की वैल्यू है 25 तो 25 का स्क्वायर तो इसे अगर हम निकालें सो दिस वुड बी रूट ओवर एट तो ये वैल्यू हो जाएगी फोर्स की ठीक है ओके okay. अब हमें क्या निकालना था एक्सेलरेशन हमें क्या पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास तो फोर्स है यहाँ पर रूट ओवर एट फिफ्टी और मास है यहाँ पर फाइव के जी तो इसकी अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा फाइव पॉइंट एट थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है तो देखो ये छोटे छोटे सिंपल सिंपल से सवाल हैं जो सेकेंड uh, लॉ पे बेस्ड है कुछ तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कुछ थोड़े बहुत मतलब यू नो थिंकिंग इन्वॉल्व करती है जैसे यहाँ पर फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी हुई थी कि कितना न्यूटन फोर्स है बट काफ़ी चीज़ें दी हुई थी जिससे आप आराम से फोर्स की वैल्यू निकाल सकते थे तो चलो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं एक और नए टर्म के बारे में एक और नए क्वांटिटी के बारे में जिसे हम कहते हैं इम्पल्स इम्पल्स क्या होता है इम्पल्स इज बेसिकली फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द टाइम इट एक्ट ओवर ठीक है मतलब कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो फोर्सेस तो लार्ज फोर्सेस होते हैं बहुत ज़्यादा फोर्स होता है लेकिन वो बहुत थोड़ी देर के लिए एक्ट करता है जैसे इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टेनिस टेनिस का गेम कभी देखा है लोगों को खेलते हुए या कभी खुद खेला हो तो आप देखोगे कि जो टेनिस का रैकेट है वो बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है राइट बट वो फोर्स अप्लाई करता है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बस थोड़ी देर के लिए वो फोर्स अप्लाई करता है बट दैट इज अ वेरी लार्ज फोर्स उसी वजह से वो बॉल देखो कितनी दूर तक जाता है राइट right? सो so, इस तरह इसे हम कहते हैं इंपल्स तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम फोर्स क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करेक्ट तो अगर मैथमेटिकली आप देखोगे तो लेट्स एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ये हमें पता है फोर्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम विथ टाइम इम्पल्स क्या है इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इन टू डेल्टा टी फोर्स इन टू जो छोटे से डेल्टा टी टाइम के लिए वो फोर्स एक्ट कर रहा है वो तो अगर एफ की जगह आप डेल्टा पी बाई डेल्टा टी डाल दोगे तो आपको क्या मिल गया कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम तो चलो भाई अब सुनते हैं कहानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की न्यूटन तो भी ना लोगों के बीच क्यों? an मतलब, लोग कई बार उसके साथ लिंक कर देते हैं वो जो कहावत है ना हिंदी में जैसी करनी वैसी भरनी <laughs> राइट तुमने एक थप्पर मारा सामने वाले भी पलट के तुम्हें एक थप्पर मारेगा <laughs> बट बेसिकली जो न्यूटन का थर्ड लॉ है जो ये कहता है तो कुछ कुछ ऐसा ही है कि भाई हर एक फोर्स अगर दो बॉडीज है हमारे पास वन एंड टू तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू 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 की वजह से वन पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू टू को वन की वजह से जो फोर्स लगेगा तो ये जो एफ वन टू है और एफ टू वन है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डिरेक्शन ठीक है ये कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ बट यहां पर एक मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज्यादा होता है लोगों को लोग सोचते हैं कि इट इज़ लाइक अ कॉज इफेक्ट रिलेशन मतलब एक्शन हुआ उसी वजह से रिएक्शन हुआ इट्स नॉट लाइक दैट यू नो एक्शन बताते हुए भी ना वो थप्पड़ वाला एग्जाम्पल याद आता है तो लोगों को कई बार लगता है कि इट इज़ लाइक कि तुमने एक थप्पड़ मारा सामने वाले को उसीलिए सामने वाले ने तुम्हें एक थप्पड़ मारा बट ऐसा रिलेशन यहाँ पे होता नहीं है न्यूटन्स थर्ड लॉ में जो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेस होते हैं ये दोनों सेम टाइम पे होते हैं मतलब एक तरफ एक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ रिएक्शन हो रहा है ऐसा नहीं कि एक्शन पहले हुआ उस वजह से रिएक्शन हुआ नो सो देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन इन न्यूटन्स थर्ड लॉ इसको अच्छे से समझ लो तो न्यूटन्स थर्ड लॉ बल्कि ये कहता है कि जब तुम एक थप्पड़ मारते हो सामने वाले को ठीक है तो क्या हो रहा है तुम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो मतलब तुम्हारा जो हाथ है वो उसके गाल पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है एट द सेम टाइम उसका गाल भी तुम्हारे हाथ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है इसीलिए जब तुम सामने वाले को मारते हो कहीं ना कहीं तुम्हारे हाथ में भी थोड़ी चोट लगती है करेक्ट so, सो इस, इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दे अकर एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम वो एक ही साथ दोनों हो रहे होते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज में एक्ट करते हैं राइट right? जैसे एक्शन वाला फोर्स गाल पे एक्ट कर रहा है रिएक्शन वाला फोर्स हाथ पे एक्ट कर रहा है आई एम सॉरी कि मैं थप्पड़ का ही एग्जांपल दी बट आई थॉट यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट बेटर ठीक है तो इसका मतलब अब बात करते हैं फिजिक्स की तरह लाइक जैसे किताबों में लिखा होता है कि भाई अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं वन और टू तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू विच इज एफ वन टू इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन विच इज एफ टू वन बट दे आर ऑपोजिट इन नेचर दे आर फोर एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस एफ टू One. इसका मतलब अगर से रोहित ये बॉल पकड़ के खड़ा है इसका मतलब वो, पकड़ा हुआ है को, so वो रोहित time, रोहित. तो प्यारे बच्चों अब बात करने वाले हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनफैक्ट कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये नतीजा है सेकेंड एंड थर्ड लॉज ऑफ मोशन का ही तो कन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम नाम से ही पता चल रहा है ये ये कहता है कि, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होता है यानी कि टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट ही रहता है ठीक है इसका एक बहुत ही पॉपुलर और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है स्पिनिंग टॉप लट्टू देखा होगा लट्टू को अगर एक बार आपने घुमा दिया तो वो यू 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 घूमते ही रहता है तो ऐसा वो जो घूमते ही रहता है इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रोल होता है हम देखते हैं कि किसी भी पॉइंट पर उसका जितना मोमेंटम होता है ऐसा ही एग्जैक्टली ऑपोजिट मोमेंटम होता है दूसरे साइड के किसी और पॉइंट पर और उसी वजह से ये जो पूरा जो स्पिनिंग टॉप होता है इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है के बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए लेते हैं हम हमारा अगला एग्जाम्पल यानी कि दूसरा एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल है किसका बंदूक का राइफल राइफल जिसमें से बुलेट निकल के आएगी कब जब आप उसके ट्रिगर को पुल करोगे ठीक है अब ये एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि यू you नो know, ये काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे इसी एग्जाम्पल uh, से रिलेटेड ठीक है तो देखो यहाँ पे किस तरीके से मोमेंटम कंजर्व होता है इनिशियली क्या है जो बुलेट है वो रेस्ट पर है जो गन है या फिर जो राइफल है वो भी रेस्ट पर है ठीक है जैसे ही हमने ट्रिगर दबाया यानी कि जैसे ही हमने ट्रिगर को पुल किया तो क्या हुआ जो बुलेट है उसने मोमेंटम गेन किया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और वो आगे भाग गया जो राइफल है उसका मोमेंटम था बैकवर्ड डायरेक्शन ठीक है तो ये बैकवर्ड आया और बुलेट फॉरवर्ड भाग गया ठीक है तो बुलेट बाहर जाने के बाद मतलब फायर करने के बाद क्या हुआ एक का मोमेंटम फॉरवर्ड में एक का बैकवर्ड में तो मोमेंटम कैंसिल आउट हो गया यानी कि फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया और इनिशियल मोमेंटम क्या था वो तो जीरो ही था मतलब ट्रिगर दबाने से पहले वाले सिचुएशन में तो भाई बुलेट भी रेस्ट पे था राइफल भी रेस्ट पे था तो ओवरऑल इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो हमने क्या देखा इस पूरे प्रोसेस के अंदर इनिशियल मोमेंटम भी जीरो फाइनल मोमेंटम भी जीरो यानी कि मोमेंटम कंजर्व अब इसी तरह अगर यहाँ पर एनर्जी की बात करें तो देखो एनर्जी भी यहाँ पे कंजर्वड ही रहती है हल, भले ही वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है बट ओवरऑल कंजर्व रहती है पहले ट्रिगर दबाने से पहले की अगर बात करें तो कौन सी एनर्जी थी केमिकल एनर्जी थी गन पाउडर के अंदर ट्रिगर दबाने के बाद वही केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी साउंड एनर्जी इन सब में कन्वर्ट हो गई राइट सो दैट वेज एनर्जी कंजर्वेशन भी यहां पे ट्रू था अब आप देखना ये जो बुलेट और राइफल वाले क्वेश्चन है ना ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं जहां पर आपको लगाना होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टेंशन हम भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल विच इज अगेन अ पॉपुलर एग्जाम्पल दैट इज रॉकेट प्रोपल्शन का एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक रॉकेट है जिसका मास है एम वो मूव कर रहा है रॉकेट तो ऊपर की तरफ जाता है मूव कर रहा है विथ वेलॉसिटी वी तो यानी कि इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया एम इंटू वी ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है जैसे जैसे ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है ये गैसेस एमिट करता है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमिट होते हैं लेकिन इन गैसेस के एमिट होने की वजह से रॉकेट को एक फॉरवर्ड पुश मिलता है ठीक है तो अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा अब देखो रॉकेट अगर मास एम का था इसमें से काफी गैसेस निकल रहे हैं तो यानी कि इसका मास क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है तो मास अब क्या हो गया एम माइनस एम डैश ठीक है वेलोसिटी अगर बात करें, अब चूंकि ये जो गैसेस एमिट हो रहे हैं इसकी वजह से रॉकेट को एक फॉरवर्ड पुश मिल रहा है तो रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ जा रही है तो पहले अगर वी थी अब हो गई वी प्लस वी डैश राइट तो यानी कि अगर हम फाइनल मोमेंटम को देखें तो मास तो घट रहा है लेकिन वेलोसिटी बढ़ रहा है तो यानी कि ओवरऑल जो मोमेंटम है वो फिर से इनिशियल मोमेंटम के बराबरी हो जा रहा है यानी कि यहाँ पर भी मोमेंटम कंजर्व रह रहा है तो चलो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक एप्लीकेशन देखते हैं और वो भी मैथमेटिकली तो यहाँ पर हम बात करेंगे कोलिजन ऑफ टू बॉडीज के बारे में ठीक है अस सपोज कि हमारे पास दो बॉडीज हैं एक बॉडी वन एक बॉडी टू ठीक है ये दो बॉडीज है हमारे पास अब लेटर्स है कि इनिशियली जो वन है इसका मोमेंटम था पी वन और जो टू है इसका मोमेंटम था पी टू ठीक है अब इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ कोलिजन हुआ मतलब दोनों टकराएं जब टकराते हैं तो इनके मोमेंटम चेंज हो जाते हैं ये सब हमें पता ही है तो लेटर्स है कि कोलिजन के बाद जो फाइनल मोमेंटम था वो वन का था पी वन डैश और टू का था पी टू डैश ठीक है यहां तक क्लियर है ओके अब न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने क्या सीखा हमने सीखा कि फोर्स क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ठीक है तो अब ये सेकेंड लॉ को लगा के अगर हम फोर्स की बात करें ऑन वन ड्यू टू टू जो फोर्स वन पे लग रहा है टू की वजह से वो क्या हो जाएगा बताओ फोर्स क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि वन का जो फाइनल मोमेंटम है जो कि इतना है पी वन डैश माइनस वन का जो इनिशियल मोमेंटम था वही तो इसका चेंज इन मोमेंटम हुआ पहले इतना था बाद में इतना हो गया तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द चेंज इन मोमेंटम विथ टाइम अस से जो टाइम है दैट इज डेल्टा टी अस सपोज कि ये चेंज होने में जो टाइम लगा दैट टाइम इज डेल्टा टी इनिशियल से फाइनल जाने में जो टाइम लगा दैट इज डेल्टा टी ठीक है तो ऐसे लिख सकते हैं इन अ सिमिलर वे अगर हम कैलकुलेट करें फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन टू के ऊपर कितना फोर्स लगा वो कैसे निकलेगा टू का जितना मोमेंटम चेंज हुआ यानी कि पी टू डैश माइनस पी टू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी ठीक है क्लियर है यहां तक ग्रेट अब देखो हमने सिर्फ सेकेंड लॉ थोड़ी पढ़ा है हमने तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी पढ़ रखा है और थर्ड लॉ क्या करता कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन यानी कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन विथ अ नेगेटिव साइन क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट होंगे नेचर में इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा है ना तो अब ये वाली वैल्यूज को अगर मैं डालू तो क्या आएगा एफ वन टू पी वन डैश माइनस पी वन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस ऑफ पी टू डैश माइनस पी टू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी तो डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा अब इधर से हम क्या लिख सकते हैं देखो इसको लिख सकते हैं p1 वन डैश माइनस पी वन इज इक्वल टू माइनस पी टू डैश प्लस पी टू ऐसा लिख सकते हैं अब इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर देखो लेटर से p1 p2 ये हमारा इनिशियल मोमेंटम के वैल्यूज हैं p1 और p2 क्या है इनिशियल मोमेंटम के वैल्यूज हैं इनको एक तरफ ले आते हैं और फाइनल वाले वैल्यूज को दूसरे तरफ ले जाते हैं तो अगर ऐसा करें तो इधर माइनस पी वन माइनस पी टू और इधर क्या आ जाएगा माइनस पी टू डैश माइनस पी वन डैश दोनों तरफ से अगर माइनस माइनस कॉमन ले लें तो इधर हो जाएगा पी वन प्लस पी टू इज इक्वल टू पी वन डैश प्लस पी टू डैश अब गौर से देखो ये क्या बता रहा है ये एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि टोटल मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम यानी कि ये जो कोलिजन की पूरी कहानी हुई इन दोनों बॉडीज के बीच में बट स्टिल उसके बावजूद भी कोलिजन के पहले का जो टोटल मोमेंटम था विच वॉज पी वन प्लस पी टू और कोलिजन के बाद का जो टोटल मोमेंटम था विच वॉज पी वन डैश प्लस पी टू डैश यह दोनों बराबर है जो क्या बताता है जो बताता है और कुछ भी नहीं बल्कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक टर्म होता है इक्विलिब्रियम किसी पार्टिकल को कब हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पे है एक पार्टिकल को हम इक्विलिब्रियम पे तब कहते हैं जब द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज़ जीरो। इसका मतलब अगर मेरे हाथ में ये है, इस को अगर मैं सिर्फ इस तरफ से तो देखो ये कर रहा है, ये में बिल्कुल नहीं है अगर इस बॉल को मैं ऊपर से नीचे की तरफ सिर्फ फोर्स लगाऊंगी तो देखो ये फिर से मूव कर रहा है यानी कि इक्विलिब्रियम पे नहीं है लेकिन अगर इस बॉल पे हम इधर से और इधर से दोनों तरफ से इक्वली फोर्स लगा रहे हैं इसका मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर इज जीरो राइट right? तो इसका मतलब कभी भी अगर हम कहते हैं कि कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है इसका मतलब एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस डॉट 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 अप टू एफ एन इज इक्वल टू जीरो अगर एफ वन एफ टू एफ थ्री ये सारे फोर्सेस उस पार्टिकल पे लग रहे हैं लगने दो बट अगर उन सारे फोर्सेस का सम जीरो यानी कि नेट फोर्स अगर जीरो है सो द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम तो चलो करते हैं एक सवाल पहला सवाल कहता है कि अ 1500 केजी गन माउंटेड ऑन व्हील्स शूट्स अ 10 केजी प्रोजेक्टाइल विथ अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल पहले सिचुएशन को समझना होगा तो एक रफ डायग्राम बनाती हूँ कि भाई व्हील्स के ऊपर माउंटेड है एक गन लेटेस से कि ये इस तरीके से व्हील्स है इसके ऊपर एक ऐसे गन जो है वो माउंटेड है ठीक है ऐसे रफली बना रही हूं जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड अब ये गन जो है प्रोजेक्टाइल ऐसे शूट कर रहा है ठीक है तो यानी कि इस पिक्चर में हमारे दो कैरेक्टर्स हैं एक तो गन और दूसरा प्रोजेक्टाइल ठीक है अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है अगर बात करें गन की तो गन का मास दिया हुआ है फिफ्टीन हंड्रेड के जी ठीक है गन की इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करें तो वो जीरो है क्योंकि इनिशियली पहले तो गन भी रेस्ट पे है प्रोजेक्टाइल भी रेस्ट पे है उसके बाद जब गन को चलाया जा रहा है तब उसकी जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वो बताई गई है है ना ठीक है ओके okay. अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल की तो प्रोजेक्टाइल के केस में जो इसका मास है दैट इज टेन के इसके भी इनिशियल जो वेलॉसिटी है दैट इज जीरो क्योंकि दोनों ही इनिशियली रेस्ट पे है ओके okay. अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोजेक्टाइल किस वेलोसिटी से बाद में मूव करती है 800 मीटर पर सेकेंड यानी कि प्रोजेक्टाइल के जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज गिवन एज 800 मीटर पर सेकेंड और पूछा क्या जा रहा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द गन यानी कि गन का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो हमें निकालना है ठीक है अब क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज दी हुई है वो भी समझ में आ गया ठीक है क्या करेंगे यहां सिंपल कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं सीधा सीधा कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं कि भाई गन को फायर करने से पहले जो नेट मोमेंटम है और गन को फायर करने के बाद जो नेट मोमेंटम है ये बराबर होना चाहिए ठीक है यानी कि m1 u1 वन प्लस एम टू यू टू ये क्या है ये नेट मोमेंटम है फायर करने के पहले दिस शुड बी इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू ये क्या है फायर करने के बाद का जो टोटल मोमेंटम है ठीक है अब देखो U1 और U2 की वैल्यू तो जीरो है तो ये वाला पूरा हो जाएगा जीरो इधर क्या हो जाएगा M1 की वैल्यू है फिफ्टीन v1 हमें पता नहीं वो उसी को तो निकालना है प्लस m2 की वैल्यू है 10 और v2 की वैल्यू है 800 ठीक है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v1 वन विल बी इक्वल टू माइनस एट थाउजेंड एट हंड्रेड इंटू टेन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन हंड्रेड तो v1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस फाइव पॉइंट थ्री थ्री मीटर पर सेकेंड अब यहाँ पे एक खास बात नोट करना है कि जो v1 की वैल्यू है उसमें एक माइनस साइन आ गया है माइनस साइन क्या शो कर रहा है v1 क्या था v1 गन का फाइनल वेलोसिटी था इसका मतलब फायर करने के बाद प्रोजेक्टाइल अगर सामने की तरफ फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा तो गन किधर मूव करेगा गन बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा जब हम गोली चलाते हैं तो क्या होता है जो गन होता है ना वो पीछे की तरफ आता है लेकिन जो गोली है वो आगे की तरफ जाता है राइट एंड दैट इज एक्जैक्टली वॉट दिट दिस नेगेटिव साइन टेल्स कि जो गन की वेलोसिटी है दैट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है इफ यू फोकस ऑन दिस प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है इसीलिए पॉजिटिव और गन की जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है इसीलिए दिस इज नेगेटिव तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया गन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। चलो बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर टू ये प्रॉब्लम कहता है कि रेलवे ट्रैक ए ऑफ मास थ्री इंटू टेन टू पावर फोर के जी एक ट्रक है जिसका मास दिया हुआ है इतना ट्रैवलिंग एट जीरो मास मूविंग इन द अपोजिट डिरेक्शन विदोसिटी ऑफ जीरो पॉइंट 0.4 मीटर पर सेकेंड तो यहां पर हमारे पास दो कैरेक्टर्स है यहाँ पे पिक्चर में एक तो ट्रक ए और दूसरा ट्रक बी ठीक है जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो भी गिवन वैल्यूज हैं उनको लिखते चले जाएंगे उससे क्या होगा हमें रास्ता क्लियर समझ में आएगा कि आगे करना क्या है ठीक है ना सो so, ट्रक ए की अगर बात करें तो इसका मास दिया हुआ है एम वन दिया हुआ है थ्री इंटू टेन टू द पावर फोर के जी ठीक है ये भी दिया हुआ है कि ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसका वी वन दिया हुआ है जीरो जीरो पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है अब अगर बात करें ट्रक बी की तो इसका मास बोला गया है कि इसका मास है हाफ ऑफ द मास ऑफ ए तो ए का जितना था इसका आधा तो ये हो जाएगा 1.5 टू द पावर 4 ठीक है ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है v2 की वैल्यू दी हुई है 0.4 मीटर पर सेकेंड सही लिखा मैंने नॉट रियली really. ये भी दिया हुआ है कि इट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डिरेक्शन यानी कि v1 अगर पॉजिटिव है तो v2 क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देना जरूरी है ठीक है अब देखो क्वेश्चन कहता है इफ द ट्रक्स कपल ऑटोमेटिकली ऑन कोलिजन फाइंड द कॉमन वेलोसिटी विथ विच दे मूव मतलब अगर ये दोनों ट्रक्स ए और बी एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के बाद दे कपल मतलब कोलिजन के बाद ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं ठीक है क्योंकि साथ में ज्वाइन हो जाते हैं तो ये एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं ठीक है बात में मतलब दोनों साथ में चिपक गए कोलिजन के बाद और फिर एक साथ मूव करने लग गए सम वेलोसिटी और वही वेलोसिटी की वैल्यू हमें निकालनी है ठीक है क्या करेंगे लॉजिक क्या लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोलिजन के पहले का जो टोटल मोमेंटम है और कोलिजन के बाद का जो टोटल मोमेंटम है ये दोनों को बराबर होना है अब देखो कोलिजन के पहले का बिफोर कोलिजन का जो मोमेंटम है और आफ्टर कोलिजन का जो मोमेंटम है ये दोनों को बराबर होना है बिफोर कोलिजन का मोमेंटम कितना होगा ट्रक ए का हो जाएगा एम वन वी वन और ट्रक बी का हो जाएगा एम टू वी टू दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन दोनों कपल हो चुके हैं दोनों एक दूसरे से चिपक चुके हैं यानी कि टोटल मास हो जाएगा एम वन प्लस M2, और ये दोनों किसी एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं अस से दैट इज वी ठीक है तो अब हम v निकाल लेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे सारी वैल्यूज तो हमें पता ही है तो यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू ठीक है अब देखो वैल्यूज डालो तो एम वन की जगह हो जाएगा थ्री इंटू टेन टू द पावर फोर इंटू जीरो पॉइंट सिक्स प्लस एम टू की जगह हो जाएगा वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर फोर इंटू माइनस जीरो पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू यानी कि थ्री प्लस वन पॉइंट फाइव तो ये हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर फोर तो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट जीरो पॉइंट टू सेवन मीटर पर सेकेंड ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वो वेलोसिटी जिससे ये दोनों सिस्टम मतलब पूरा का पूरा सिस्टम कोल्यूजन के बाद मूव करेगा तो बच्चों अब हमने न्यूटन के तीनों लॉज तो पढ़ लिए हैं ठीक है और ये सारी चीजें ये मोशन से रिलेटेड ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं फिजिक्स के इस ब्रांच में जिसे हम मैकेनिक्स कहते हैं और आप देखोगे कि मैकेनिक्स के अंदर एक टाइप के फोर्सेस होते हैं जो एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं जिन्हें हम कहते हैं फोर्सेस फोर्सेस नाम से पता चल रहा है ये वो हैं जो इसलिए अराइज होते हैं क्योंकि दो ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में होते हैं एक दूसरे के ठीक है तो इन्हें हम कॉन्टेक्ट फोर्सेस कहते हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस कई तरह के होते हैं जैसे यहां पर हम चार कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बातें करेंगे पहला फ्रिक्शन हमारा अपना फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स है दूसरा नॉर्मल फोर्सेस तीसरा टेंशन फोर्सेस और चौथा है स्प्रिंग फोर्सेस ठीक है तो चलो एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है सबसे पहले फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या होता है हम सभी को पता है ये ऐसा फोर्स होता है जो मोशन को अपोज करता है अगर थोड़ा ध्यान से सोचो तो फ्रिक्शन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है जैसे दो सर्फेसेस एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में है तो इन सर्फेसेस के पैरल एग्जिस्ट करता है फ्रिक्शन राइट right? फ्रिक्शन होने की वजह से ही ये दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं करते हैं मैं खड़ी हो पा रही हूं क्योंकि फ्रिक्शन है जमीन और मेरे पैर के बीच में नहीं तो फिर मैं स्लिप करके गिर जाती राइट right? अच्छा अब दूसरा फोर्स है नॉर्मल नॉर्मल नाम से ही पता चल रहा है परपेंडिकुलर तो ये फोर्स भी तब एक्ट करता है जब दो सर्फेसिस कॉन्टैक्ट में होते हैं लेकिन ये फोर्स होता है परपेंडिकुलर टू द सर्फेस नॉर्मल फोर्सेस की वजह से ही दोनों सर्फेस एक दूसरे के अंदर नहीं चले जाते हैं राइट right? तो दैट इज नॉर्मल फोर्सेस अब तीसरा नंबर आता है टेंशन टेंशन क्या होता है ये पढ़ाई का टेंशन वाला टेंशन नहीं है ये एक फोर्स है टेंशन और ये पिक्चर में तब आता है जब हम किसी रोप या स्ट्रिंग या वायर से किसी बॉडी को लटका देते हैं या फिर किसी बॉडी को फिक्स कर देते हैं तो उसमें क्या होता है जैसे मान लो कि हमने एक बॉक्स लिया उसको ये मान लो एक बॉक्स है ठीक है इस बॉक्स को हमने इस रस्सी से लगा दिया टांग दिया बेसिकली ठीक है अब क्या होगा ये जो बॉक्स है ये कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा राइट सो द फोर्स दैट एक्ट्स अलोंग दिस वायर इस रस्सी या वायर के अलोंग जो फोर्स एक्ट करता है उसे हम कहते हैं टेंशन हमेशा याद रखना है कि जो टेंशन होता है ना दैट ऑलवेज एक्ट अलोंग द वायर वायर या रोप या स्ट्रिंग जो भी कह लो ठीक है इनफैक्ट टेंशन फोर्स को पुलिंग फोर्स भी कहा जाता है जब हम पुली वाले सवाल करेंगे थोड़ी देर में हम करेंगे पुली वाले क्वेश्चंस पुली क्या होता है सब समझ में आएगा ठीक है तो वहां पर आप देखोगे कि टेंशन प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इसके बाद आता है चौथा नंबर विच इज स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स क्या होता है कोई भी स्प्रिंग को हम कॉम्प्रेस कर पाते हैं हम स्ट्रेच कर पाते हैं लेकिन इसे कॉम्प्रेस या स्ट्रेच करने के लिए कुछ फोर्स रिक्वायर्ड होती है एंड दैट इज आवर स्प्रिंग फोर्स ठीक है आप नोटिस करोगे कि अगर एक स्प्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया जाए ठीक है और वो ऑब्जेक्ट अगर उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करे या कंप्रेस करे तो स्प्रिंग भी जो है एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट करता है सो दैट इट इज एबल टू रिस्टोर इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन मतलब मान लो कि ये एक स्प्रिंग है स्प्रिंग के साथ हमने एक ऑब्जेक्ट अटैच किया लेट से इस ऑब्जेक्ट ने इस स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दिया ठीक है पर जो स्प्रिंग है ना वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहना पसंद करता है तो स्प्रिंग क्या करेगा एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एग्जर्ट करने की कोशिश करेगा ऑब्जेक्ट पे ताकि वो वापस अपने पोजीशन में आ जाए सिमिलरली अगर ये ऑब्जेक्ट इसको एक्सपैंड करता है स्प्रिंग को राइट right? यानी कि इसको स्ट्रेच करता है तभी भी स्प्रिंग क्या करेगा एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स करेगा ताकि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ सके ठीक ठीक है 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 तो तो ये होता स्प्रिंग फोर्स का concept, है? तो अभी आप देखोगे जैसे ही हम सॉल्व करने चलेंगे वहां पर आपको टेंशन भी दिखेगा नॉर्मल भी दिखेगा स्प्रिंग फोर्सेज भी दिखेंगे और वहां पर फ्रिक्शन भी दिखेगा ठीक है तो इसीलिए पता होना चाहिए ये सारे कौन से कॉन्टेक्ट फोर्सेस होते हैं सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम फ्रिक्शन के बारे में तो फ्रिक्शन

उसके पहले तक तो सब कुछ कूल cool रहता है लेकिन जैसे ही आप ये बता देते हो कि मेरे मैथ्स में बहुत खराब नंबर आए हैं, तो घर में क्या हो जाता है फ्रिक्शन आ जाता है घर में क्या आ जाता है रेजिस्टेंस आ जाता है बहुत सारी चीजों के लिए राइट तो कुछ ऐसा ही यहां पे होता है जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो तब तक फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं आता है ठीक है जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करने लग जाते हो राइट right? जब तक आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है, जब आपका से हो जाता है तो जीत किसकी करने लग जाता है फ्रिक्शन तीन टाइप के होते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन और तीनों ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है तो चलो सबको एक एक करके समझेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन वो वाला फ्रिक्शन होता है जो मोशन तो के इनिशिएशन को अपोज करता है मतलब मोशन शुरू होने को ही अपोज करता है तो अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के कॉन्टैक्ट में है तो उसमें वो उस बॉडी मतलब शुरू नहीं हुआ हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इसीलिए आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे लिखा होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेज इम्पेंडिंग मोशन इम्पेंडिंग मोशन मतलब ऐसा मोशन जो अभी हो नहीं रहा है लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये मोशन हो रहा होता, right? That is called impending motion. मतलब जो मोशन अभी तो नहीं हो रहा है बट होने वाला है ठीक है उसे कहते हैं इम्पेंडिंग मोशन तो अब देखो पिक्चर कुछ ऐसा है कि अस सपोज कि हमारे पास ये बॉक्स है जो टेबल पे रखा हुआ है ठीक है ओके अभी फिलहाल इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स क्या है जीरो है अभी फिलहाल इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है जीरो है क्योंकि मैंने क्या बताया था जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है ठीक है अब मैंने क्या किया इस बॉक्स को हल्का सा फोर्स दिया ठीक है अब मैंने हल्का सा इस बॉक्स को फोर्स दिया क्या हो गया अब मेरा फ्रिक्शन भी पिक्चर में आ गया तो एफ एस यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज होने लग गया मैंने अप्लाइड फोर्स को थोड़ा और बढ़ाया फ्रिक्शन भी थोड़ा और बढ़ा देखो अभी भी लेकिन ये बॉक्स मूव नहीं किया है ठीक है थोड़ा और बढ़ाया अप्लाइड फोर्स भी बढ़ा फ्रिक्शन भी बढ़ा यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ा लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ सकता है ठीक है तो एक पॉइंट पे जाके स्टैटिक फ्रिक्शन अब और नहीं बढ़ेगा लेकिन अगर मेरा अप्लाइड फोर्स उससे ज़्यादा बढ़ गया तो मेरा बॉडी मोशन में आ गया करेक्ट तो पिक्चर समझो एकदम कॉन्सेप्ट को समझो इसका मतलब जब तक अप्लाइड फोर्स नहीं होगा फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा अप्लाइड फोर्स हुआ फ्रिक्शन एक्ट किया स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है अप्लाइड फोर्स भी बढ़ रहा है लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही जा सकती है जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकती है जब आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया तो बॉडी चलते बना बॉडी मूव करने लग गया ठीक है तो ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या था बॉडी अगर रेस्ट पे है उसको मोशन उसका मोशन स्टार्ट होने को अपोज करना ठीक है इसीलिए इसका नाम है स्टैटिक स्टैटिक मतलब स्टेशनरी क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन उन बॉडी पे एक्ट करता है जो रेस्ट पर है एक बार बॉडी मूव करने लग गया उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं होता है तो बच्चों एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है मैंने क्या बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती है बट एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही ये बढ़ सकती है जिसे हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स और ये इंडिपेंडेंट होता है विद द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जिन सर्फेसिस का एरिया कॉन्टैक्ट में है उनका एरिया कितना बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नॉर्मल फोर्स पे नॉर्मल फोर्स हम सभी को पता है जो दो सर्फेसिस कॉन्टैक्ट में है इनके नॉर्मल इनके परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज द नॉर्मल फोर्स ठीक है तो मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं कि एफ एस यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एन इनफैक्ट एफ एस मैक्स क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं एक्स मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन जहां पर म्यू एस इज द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये जो सब्सक्रिप्ट में एस है वो सारे एस किसके लिए हैं स्टैटिक के लिए है ठीक है तो यहीं से आ गया एक लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो ये कहता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा या तो लेस देन या फिर इक्वल टू होती है द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि एफ एस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स राइट right? बहुत लॉजिकल है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उसी मैक्सिमम वैल्यू तक ही जा सकती है और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है एफ एस मैक्स विच इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन बच्चों ये छोटा सा फॉर्मूला है बट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े बड़े अच्छे खासे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे इस छोटे से फॉर्मूले से तो अगला नंबर है काइनेटिक फ्रिक्शन का काइनेटिक मतलब मूविंग यानी कि ये वैसा फ्रिक्शन है जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ठीक है मतलब हम वही स्टैटिक फ्रिक्शन वाली कहानी को आगे बढ़ाएंगे हमने क्या देखा था कि एक बॉक्स रेस्ट पे था पहले ठीक है जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा स्टैटिक फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया बट जब हमने अप्लाइड फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से भी ज्यादा कर दिया तो बॉडी मूव होने लगा एक बार बॉडी मूव होने लगा

काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये ना तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है ना ही एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है आप गेस करो ये किस पे डिपेंड करता है बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह ये भी डिपेंड करता है ओनली ऑन द नॉर्मल फोर्स तो इसीलिए मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन जिसे हम लिख सकते हैं एफ के इज इक्वल टू म्यू के इन टू एन जहां पर म्यू के इज द कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं हम जज करते हैं एक बॉडी के मोशन को कंसिडरिंग काइनेटिक फ्रिक्शन ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में है तो इसे इग्नोर करने से नहीं चलेगा ठीक है तो एक पहला देखते हैं वेन द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन ठीक है, है? यानी कि जो हमारा एफ अप्लाइड है दैट इज ग्रेटर देन एफ के तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो बॉडी है वो मूव करेगा मूव तो बिल्कुल करेगा ही करेगा क्योंकि हमारा अप्लाइड फोर्स इतना ज़्यादा है साथ ही साथ फ्रिक्शन जितना आ रहा है उससे ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब हमारा बॉडी एक्सेलरेट भी करेगा कितना एक्सेलरेट करेगा वो ये फोर्स बताएगा हमें अब यहाँ पर जो एफ ए माइनस एफ के जो हो जाएगा ये जो जितना डिफरेंस है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का जो डिफरेंस है जितना एक्सेस अप्लाइड फोर्स है दिस फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ठीक है यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा दिस फोर्स डिवाइडेड बाई एम इतना एक्सेलरेट होगा ऑब्जेक्ट ठीक है पहला सिचुएशन दूसरा सिचुएशन वेन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एफ के यानी कि जितना हमने अप्लाई किया है और जितना काइनेटिक फ्रिक्शन है ये दोनों बराबर है अब बहुत से बच्चे बोलेंगे अच्छा मतलब जितना फ्रिक्शन है उतना ही अप्लाइड फोर्स है तो बॉडी मेरा मूव नहीं करेगा और जैसे ही आप ऐसा बोलोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल गलत क्यों क्योंकि यहां पर हम जिस फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं दैट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब बॉडी ऑलरेडी मूविंग है तभी तो काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आता है राइट का फ्रिक्शन पिक्चर में कब आता है जब मेरा बॉडी मूव करने लग जाता है करेक्ट तो अभी बॉडी मेरा मूव कर रहा है बॉडी मूव कर रहा है अब जितना फ्रिक्शन का फोर्स है उतना ही क्या है मेरा अप्लाइड फोर्स है ठीक है तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि ये जो एफ ए माइनस एफ के है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी चूंकि दोनों जीरो दोनों बराबर है तो एफ ए माइनस एफ़ के की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो चूंकि ये नेट फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी इसका मतलब ऐसे सिचुएशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो लेकिन बॉडी मूव कर रहा है ऐसा कब होता है जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे यानी कि इस सिचुएशन में जो मेरा बॉडी होगा वो किस किस स्टेट में होगा इट विल बी इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बात समझ में आ गई क्या हो रहा है यहाँ पे ओके अब देखते हैं केस नंबर थ्री केस नंबर थ्री में व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज जीरो इसका मतलब हमने जो फोर्स लगाया है ना एफ अप्लाइड ये अप्लाइड फोर्स हमारा हो गया है जीरो कुछ अप्लाइड फोर्स है ही नहीं हमने फोर्स लगाया ही नहीं है तो यानी कि इस सिचुएशन में कौन हमारा हीरो है एफ के एफ के तो लग रहा है भाई काइनेटिक फ्रिक्शन तो पिक्चर में है लेकिन फोर्स अप्लाइड है ही नहीं तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा एफ ए माइनस एफ के जो वैल्यू है फोर्स right? और फ्रिक्शन का फोर्स मोशन को क्या करता है अपोज करता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा हमारा बॉडी हो जाएगा स्टॉप क्योंकि यार बॉडी भी क्या करे फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन कभी भी मोशन को फेवर तो करता नहीं है फ्रिक्शन हमेशा ही चाहता है कि भाई मोशन रुक जाए और यहाँ पे तुमने अप्लाइड फोर्स लगा ही नहीं रखा है तुमने अपने एंड से मेहनत करी ही नहीं है जब तुमने मेहनत की ही नहीं है तो वही होगा जो फ्रिक्शन जाएगा और फ्रिक्शन क्या चाहता है मोशन को रोकना तो यहाँ पे फ्रिक्शन हीरो बन जाता है और हमारा बॉडी रुक जाता है ठीक है तो ये तीनों सिनेरियो बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ में आना चाहिए क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं विथ फ्रिक्शन क्योंकि दिस इज वॉट फ्रिक्शन दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब मेरा बॉडी मूव कर रहा है एक मूविंग बॉडी में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन ठीक है तो हमने तीन सिचुएशन देख लिया अगर तो आप काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो आपका बॉडी एक्सेट होगा अगर तो आप काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर फोर्स अप्लाई करोगे तो आपका बॉडी एक्सेट तो नहीं करेगा बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे ही नहीं अगर आप निठल्ले बैठे रहोगे तो आपका बॉडी फाइनली रुक जाएगा तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने दो तरह के फ्रिक्शन की बात की स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन अब बारी है दोनों के बीच में कंपेरिजन की कैसे हम नोटिस करते हैं कि कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो छोटा होता है इट इज स्मॉलर दैन कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोले तो म्यू के जो है इसकी वैल्यू म्यू एस से छोटी होती है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात निकल के आएगी यहां से ओके हमने अभी अभी क्या देखा था कि भाई जो हमारा काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये क्या होते हैं जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है दैट इज़ इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्मल उसी तरह जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है दैट इज़ म्यू एस इंटू नॉर्मल ठीक है तो अगर मैं कह रही हूं कि म्यू के की वैल्यू म्यू एस से छोटी है इसका मतलब एफ के की वैल्यू भी एफ एस से छोटी होगी राइट यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और इससे हमें क्या जानने को मिल रहा है सोच के देखो थोड़ा सा थोड़ा सा सोच के देखो क्या पता चल रहा है इससे हमें काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का काम क्या होता है बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेके आना ठीक है काइनेटिक फ्रिक्शन का काम क्या होता है जो बॉडी मोशन में है उस बॉडी को मोशन में कंटिन्यू रखना ठीक है अब आप थोड़ा लॉजिकली सोचो कौन सा काम ज्यादा मुश्किल है एक केस में एक बॉडी रेस्ट पे था वो हिल ही नहीं रहा था वो रेस्ट पे था उसको मूव कराना ठीक है मतलब इट इज लाइक एक बच्चा है जिसको पढ़ना ही नहीं है मतलब उसको पढ़ाई समझ में ही नहीं आती है उसको पढ़ना ही नहीं है उसने सोच रखा है कि मुझे नहीं पढ़ना है ठीक है अब ऐसे बच्चे को पास करवाना इज़ क्वाइट चैलेंजिंग राइट क्योंकि वो पढ़ने बैठता ही नहीं है वो पढ़ता ही नहीं है वो किताब खोलता ही नहीं है राइट right? तो यानी कि ये सिचुएशन वैसा हो गया कि उसे रेस्ट से मोशन में लेके आना है दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसके ऑलरेडी लेट से फोर्टी परसेंट नंबर आते थे उसको आपको फिफ्टी परसेंट नंबर लेके आना है तो चूंकि उसको 40 ऑलरेडी आते थे वो थोड़ा सा और मेहनत करेगा तो उसके 50 आ जाएंगे लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है उसका सीधा 50 परसेंट लाना ज्यादा चैलेंजिंग है तो कुछ वैसी बात यहां पर है भाई रेस्ट से मोशन में ले जाना ज्यादा मुश्किल है इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि भाई इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन तो लॉजिकली भी समझ में आ गया ऐसा क्यों होता है और मैथमेटिकली तो समझ में आ ही गया क्योंकि कोफिशियंट इनकी जो वैल्यूज होती है कोफिशियंट की वो वैल्यूज अलग होती हैं तो चलो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है सबसे पहले समझना होगा वॉट एग्जैक्टली इज रोलिंग बॉल मेरे हाथ में क्यों है क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड रोलिंग ठीक है लेटर सपोज ये एक सरफेस है ठीक है बहुत ध्यान से देखना अगर ये बॉल इस तरीके से मूव कर रहा है इस सरफेस पे इसका मतलब ये क्या कर रहा है ये स्लाइड कर रहा है ये स्लाइड क्यों कर रहा है क्योंकि देखो इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इस सरफेस के साथ जो कि ये वाला पॉइंट है राइट वो सेम ही है ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है बट इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज स्टिल द सेम लेकिन अगर यही बॉल इस तरीके से मूव करने लगे तो क्या हो रहा है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो रहा है यहां पर ये था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे आया तो ये हो गया यहाँ पे आया तो ये हो गया तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो रहा है और इसे ही हम कहते हैं रोलिंग ठीक है rolling. तो रोलिंग फ्रिक्शन तब सीन में आता है जब कोई एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे सरफेस पे रोल कर रहा होता है जिसके दौरान उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस चेंज होता रहता है ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज ठीक है अगर वो ऑब्जेक्ट स्लाइड ही कर रहा होता है सिर्फ मूव कर रहा है जब उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सेम रह रहा है तब तो पिक्चर में काइनेटिक फ्रिक्शन है ही बट जब वो रोल कर रहा होता है तो पिक्चर में रोलिंग फ्रिक्शन है अब देखो रोल करते दौरान क्या हो रहा है जैसे कि मैंने बताया जब ये रोल करता है तो इसका ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पहले ये था फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे चेंज होते रहता है अब उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे छोटा सा एक सरफेस जो उसके कॉन्टैक्ट पे है वो उस समय टेम्पोरिली डिफॉर्म हो जाता है जैसे रोल कर जाता है फिर एक दूसरा सरफेस कॉन्टैक्ट में आ जाता है वो डिफॉर्म हो जाता है तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जो पैरल ऑपोजिंग फोर्स इसके मोशन को रोकना चाहता है उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन तो इसका मतलब रोलिंग फ्रिक्शन का काम क्या होता है टू अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज रोलिंग ओवर एन अदर सर्फेस तो बच्चों जिस तरह से थोड़ी देर पहले हमने कंपेयर किया था स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन और हमने यह देखा था कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है क्यों क्योंकि उनके corresponding coefficients कम होते हैं, ठीक है? अब पिक्चर में एक तीसरे टाइप के फ्रिक्शन की एंट्री हो गई है which is rolling friction. तो चलो भी कर लेते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है उसके बाद नंबर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन का और उसके बाद नंबर आता है स्टैटिक फ्रिक्शन का ठीक है तो इसको याद रखने का एक और लॉजिक इस तरीके से आप सोच सकते हो कि यार रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि जो सरफेस इन कॉन्टैक्ट होता है ना एक तो छोटा सा सरफेस होता है और वो भी चेंज होते रहता है राइट एवरी इंस्टेंट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कीप्स चेंजिंग तो वहां पर जो फ्रिक्शन की ओवरऑल जो वैल्यू है एक तरीके से रोलिंग फ्रिक्शन इज़ वेरी वेरी लेस हम बचपन से ही ये पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रिक्शन हमें वॉक करने में मदद करता है फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं तो चलो आज ये देखते हैं कि हाउ एग्जैक्टली फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक तो जब हम वॉक करते हैं तो हम अपने एक पैर को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे पैर से हम जमीन पे एक बैकवर्ड फोर्स एग्जर्ट करते हैं और न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से हमें क्या पता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन तो जब हम जमीन पे एक बैकवर्ड फोर्स एग्जैक्ट एग्जर्ट करते हैं तो जमीन भी हमारे पैर पे एक फॉरवर्ड फोर्स एग्जर्ट करता है अब चूंकि हमारे पैर का मास कंपेरिटिवली कम होता है तो ये जो फॉरवर्ड फोर्स जमीन हमारे पैर पर एग्जर्ट करता है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से हमारा दूसरा वाला पैर जो है वो एक्सेलरेटेड हो जाता है एंड दैट इज हाउ वी आर एबल टू वॉक अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या होगा तो जमीन और हमारे पैर के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के अलोंग स्लिप कर जाएंगे और जब स्लिप कर जाएंगे तो हम गिर जाएंगे और कुछ ऐसा ही होता है जब जमीन पर एक बनाना पील पड़ा हो केले का छिलका तो केले के छिलके का ऊपर का जो सरफेस होता है वो काफी स्मूथ होता है जिसकी वजह से जब भी आपका पैर उस पर जाता है तो आप सीधा स्लाइड करके गिर जाते हो शायद बचपन में कई बार इस टॉपिक पर ऐसे भी लिखा होगा फ्रिक्शन अबून और अबेन मतलब फ्रिक्शन हमारे लिए यूजफुल है या फिर यूजफुल नहीं है एक्चुअली फ्रिक्शन के दोनों ही पहलू हैं फ्रिक्शन के एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो पहला एडवांटेज जो अभी अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ये हमें वॉक करने में मदद करता है तो सोचो अगर फ्रिक्शन ही नहीं होता तो हम चल ही नहीं पाते राइट इतना ही नहीं बल्कि इतने सारे जो ऑटोमोबिल्स इतने सारे जो व्हीकल्स मूव करते हैं उनकी मूवमेंट पॉसिबल होती है फ्रिक्शन की वजह से इतने सारे जो मशीनरीज वर्क करते हैं ये जो फंक्शन करते हैं इनके अंदर इनके डिफरेंट पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन का एक बहुत बड़ा रोल होता है जिसकी वजह से ये सारे ऑपरेट कर पाते हैं तो भाई ये तो हो गई एडवांटेजेस की बात लेकिन एडवांटेजेस के साथ-साथ उंगली पकड़ के कौन आता है आता है डिसएडवांटेज एग्जैक्टली exactly. तो फ्रिक्शन के अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि इन मशीनरीज की जिसकी मैं बात कर रही थी जिसके अंदर उनके डिफरेंट पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है वहां पे फ्रिक फ्रिक्शन वजह से काफी सारी हीट जेनरेट होती है इनफैक्ट कह सकते हो कि हीट वेस्ट होती है इतना ही के अंदर की से बहुत अनवॉन्टेड नॉइज भी प्रोड्यूस होता है साथ ही साथ फ्रिक्शन होने की वजह से जो फ्यूल का कंजम्पन होता है मशीनरीज के अंदर वो भी काफी ज्यादा होता है तो सोचने वाली बात यह है कि मैम अगर फ्रिक्शन के ये डिसएडवांटेज भी हैं उसके साथ तो क्या हमारे पास कोई ऐसे तरीके हैं जिससे हम फ्रिक्शन को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं बिल्कुल है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है है ना तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कई तरीके हो सकते हैं जैसे कि पहला हो सकता है यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स या फिर ग्रीस इससे क्या होता है आ, बेसिकली सरफेस थोड़ा स्मूथ हो जाता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन टू सम एक्सटेंट रिड्यूस हो जाता है आपने अपनी डे टू डे लाइफ में हो सकता है कभी ये एक्सपीरियंस किया हो यू you नो know, घर पे बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे दरवाजे का जो नॉब होता है वो कई बार यू नो आवाज़ करने लग जाता है क्यों क्योंकि जब भी आप उसको यूं यूं यु घुमाते हो तो वो फंसते रहता है फ्रिक्शन की वजह से दोनों सर्फेसेस के बीच के फ्रिक्शन की वजह से वो नॉइज़ प्रोड्यूस करता है कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप चाबी को यू you नो know, उसके ताले के अंदर घुसाओ तो वो स्मूथली मूव नहीं करती है स्मूथली घूमती नहीं है क्यों फ्रिक्शन की वजह से वहां पर अगर आप उसी चाबी पे थोड़ा सी ऑयलिंग कर दो उसमें थोड़ा ऑयल लगा दो या फिर ग्रीजिंग कर दो और फिर उसे घुमाने की कोशिश करो तो वो काफी स्मूथली घूमती है विदाउट दैट नॉइज दैट इज बिकॉज ऑयलिंग या लुब्रिकेशन या फिर ग्रीजिंग से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है इतना ही नहीं हम लोग कई देर से बात कर रहे थे कि यू नो मशीनरीज के अंदर उसके डिफरेंट मूविंग पार्ट्स के बीच में बहुत सारा फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से हीट एनर्जी वेस्ट होती है जिसकी वजह से यू नो कई बार फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता है

स्लाइडिंग फ्रिक्शन है राइट right? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं हमने सोचा कि यार अब मूव करना तो जरूरी है क्योंकि दैट इज हाउ द मशीन वर्क तो इनका मूव कराना को तो बंद नहीं कर सकते लेकिन हम क्या कर सकते हैं एक काम कर सकते हैं कि ये जो दोनों सरफेस है ना इनके बीच में ऐसे बॉल्स रख देते हैं ठीक है वो बॉल्स भी मूव कर रहे हैं बट वो बॉल्स क्या कर रहे हैं रोल कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly. तो ये बॉल्स अब रोल कर रहे हैं ठीक है अब क्या हो रहा है अभी भी देखो मेरे दोनों सरफेसेस तो मूव कर रहे हैं बट अब मैंने बीच में कुछ बॉल्स डाल दिए हैं इससे क्या हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन मेरा रिप्लेस हो गया विथ रोलिंग फ्रिक्शन एग्जैक्टली exactly, और मैंने अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से काफी कम होती है तो इसका मतलब फ्रिक्शन को हमने खत्म तो नहीं किया क्योंकि खत्म करना पॉसिबल नहीं था बट हमने रिड्यूस जरूर किया ठीक है ना तो ये इसीलिए बॉल बेयरिंग जो है ना ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन स्पेशली इन मशीनरीज चौथा एक तरीका ये भी होता है इज डिजाइन मॉडिफिकेशन आपने देखा होगा कि एरोप्लेन्स जब वो फ्लाई करते हैं यू नो आसमान से तो क्या होता है वहां पे भी एयर की रेजिस्टेंस तो होती ही है राइट तो इसीलिए आप नोटिस करोगे कि चाहे एरोप्लेन हो चाहे आपकी कार्स हो तो बेसिकली जो व्हीकल का जो डिजाइन किया जाता है ना जैसे एरोप्लेन का जो फ्रंट पार्ट है आपने देखा होगा वो ऐसे टेपर टाइप की होती है राइट तो इस तरह का क्यों डिजाइन किया जाता है सो दैट यू नो दे आर एबल टू रिड्यूस दैट फ्रिक्शन एरोप्लेन के लिए इट इज द रेजिस्टेंस फ्रॉम द एयर एयर ड्रैग जिसे हम कहते हैं जिसे उसे ओवरकम करना होता है टू मूव सिमिलरली जो व्हीकल्स रोड पर चलती हैं उन्हें भी जो फ्रिक्शन जो भी फ्रिक्शन दे रिसीव फ्रॉम द एयर और वॉट एवर रेजिस्टेंस दैट कम्स देयर वे उनको ओवरकम करना होता है तो इसीलिए जब इनकी डिजाइन बनाई जाती है सो द डिजाइन टेक्स इन टू कंसिडरेशन की फ्रिक्शन को हम मिनिमाइज कर सके तो बच्चों लॉज ऑफ मोशन में हमने न्यूटन के तीनों लॉज समझ लिए फ्रिक्शन के बारे में भी काफी डिटेल में समझ लिया बट क्या ये सारे कॉन्सेप्ट समझना काफी है वैसे तो काफी है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए लेकिन दिक्कत वहां आती है जब लॉज ऑफ मोशन के कॉम्प्लिकेटेड वाले न्यूमेरिकल हमारे सामने आ जाते हैं और हम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते राइट और वहीं से शुरू हो जाता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का डर सो so, उसी डर को भगाएंगे अभी हम अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे टेक्निक्स की कुछ ऐसे टिप्स की जिसके हेल्प से हम लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स को हैंडल करेंगे ठीक है तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से अगर आपसे किसी भी तरह का एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता है डू नॉट वरी क्योंकि हम एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे ठीक है तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस तरह के सवालों में जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है उसका बनाते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम जिसे एफ बी डी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में सो फ्री बॉडी डायग्राम किसको कहते हैं उस पर्टिकुलर बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना दैट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम ठीक है अब सवाल ये उठता है कि मैम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड को लिख डालो ठीक है कि भाई अप्लाइड फोर्स इतना लग रहा है या फिर उस पर नॉर्मल फोर्स इतना लग रहा है तो सबके मैग्निट्यूड लिख डालो मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोर्सेस के डिरेक्शन को सही से डिनोट करो राइट right? कि कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है बिकॉज दैट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट अगर आप डायरेक्शन में ही कंफ्यूज हो गए या डायरेक्शन उल्टा पुल्टा डाल दिया तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम ही गलत हो जाएगा ठीक है चलो बना लिया तो अगर आपने फोर्सेस के मैग्नीट्यूड अलोंग विद डिरेक्शन के साथ उस बॉडी के ऊपर ड्रॉ कर लिया तो आपका समझ लो फ्री बॉडी डायग्राम बन गया इसके बाद आप क्या करोगे इसके बाद यू विल राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ऑल द बॉडीज मतलब आपके प्रॉब्लम में आपके सिचुएशन में अगर एक ही बॉडी है तो उस बॉडी के लिए उसका इक्वेशन लिखो इक्वेशन कैसे लिखोगे अब देखो जितने फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं उनका एक अपना इक्वेशन एक लिखोगे जितने फोर्सेस एक एक तो आप आपके प्रॉब्लम में एक से अधिक बॉडीज हैं तो सबके अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे आप ठीक है कैसे लिखोगे वो अभी जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है लिख दिया अगर आपने इतना कर दिया तो आप समझ लो कि आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया येस तो योर न्यूमेरिकल सॉल्विंग इज ऑल अबाउट ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम एंड राइटिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे लेट अस सपोज कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसका मास है एम जो एक टेबल के ऊपर लाई कर रहा है ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है ठीक है अब अगर मैं इस पर्टिकुलर बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगी देखो इस वाले बॉक्स के ऊपर एक्ट करेगा एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एम जी क्या है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट राइट तो ग्रेविटी की वजह से जो एम जी है वो हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करती है तो मैंने एम जी डिनोट कर दिया अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा क्योंकि टेबल के ऊपर ये बॉक्स है

एन यानी कि जो नॉर्मल फोर्स है वो किससे बैलेंस हो रहा है एम जी से तो एन इज इक्वल टू एम जी ठीक है अब मान लो अगर मैं इस बॉडी के हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूं देखो ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर भाई बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लिखेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कंसिडर करेंगे तो लेट अस से मैंने बोला कि भाई ये जो बॉक्स है ना ये एक्सलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा अब ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो कौन कौन से फोर्सेस एक तो एफ अप्लाइड है और दूसरा फ्रिक्शन है ये के साथ मूव कर रहा है यानी कि कौन सा फोर्स ज्यादा है अप्लाइड फोर्स ज्यादा है तभी तो मूव कर रहा है है ना तो इसीलिए तो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा एफ अप्लाइड माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन राइट जिस एक्सेलरेशन से यह मूव कर रहा है करेक्ट तो ये इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा ठीक तो है तो बच्चों यही कुछ सिंपल स्टेप्स है जिन्हें हमें हमेशा फॉलो करना है वेन एवर वी आर ट्राइंग टू सॉल्व न्यू अब देखो न्यूमेरिकल्स में भी बहुत तरह तरह के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे वो पुली वाले प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे जैसे इंक्लाइंड प्लेन वाले प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे जैसे राइफल और बुलेट वाले प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे मतलब मैं कुछ जो बहुत बड़े पॉपुलर प्रॉब्लम्स हैं लॉज ऑफ मोशन के उनके एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ठीक है तो डरो नहीं इस ये सारे कैटेगरी के एग्जाम्पल के क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करेंगे बट उससे पहले हम सीखेंगे कुछ बेसिक टिप्स एंड टेक्निक्स टू हैंडल सम बेसिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स तो चलो बच्चों अब हम कुछ ऐसे बहुत ही वेरी वेरी सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसके हेल्प से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले देखेंगे हमारा पहला टिप मतलब वी विल फर्स्ट कंसीडर केस नंबर वन हमारा केस नंबर वन क्या है टू बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग थ्रू अ पुली ये पुली वाले क्वेश्चंस ना भाई वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ना ही सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी आप करते हो उनके लिए भी इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है सो प्लीज फोकस ऑन द बेसिक्स ठीक है देखो पुली क्या होता है कभी आपने देखा है लोग कुएं से आ, पानी कैसे निकालते हैं देखा ही होगा मतलब आई थिंक इतनी भी पुरानी बात मैं कर नहीं रही हूँ अभी भी बहुत से जगहों में वेल्स होते हैं तो उसमें इस तरह का एक व्हील टाइप की एक चीज होती है जिसके ऊपर जो रोप है ना वो यूं 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 यू, रोल करती रहती है सो दैट इज सॉर्ट ऑफ अ पुली ठीक है तो अस से कि ये एक पुली है जो किसी चीज से अटैच्ड है और इस पुली से इस तरीके से दो मास अटैच है अस से ये एम वन है ये एम टू है तो ये अरेंजमेंट कैसा है पहले समझ लो इट्स लाइक like, ये जो रोप है ना ये इस पुली के ऊपर यूं स्लाइड कर सकती है तो अगर M2 नीचे आएगी तो M1 ऊपर जाएगा उसी तरह M1 नीचे आएगी तो M2 ऊपर जाएगा बिकॉज ये रोप उसके ऊपर स्लाइड कर सकती है ठीक है दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ अ पुली ठीक है तो हमारे पास एक इस तरह का सिचुएशन है जहां पर ये दो मासेस M1 और M2 इस तरीके से पुली से जुड़े हुए हैं ठीक है ओके अब देखो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे सबसे पहले तो याद है मैंने बताया था जब हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी भी स्ट्रिंग के एक एंड में आप एक मास लगा देते हो तो एक पुलिंग फोर्स वहां पे एक्ट करता है जिसे हम कहते हैं टेंशन एक्जैक्टली exactly. तो देखो अब ये M2 की वजह से इस वाले स्ट्रिंग के अलोंग और मैंने यह भी बोला था रोप के अलोंग या वायर के अलोंग एक्ट करता है ये टेंशन का फोर्स तो ये इस रोप के अलोंग एक्ट करेगा T2 टू सिमिलरली इस रोप के अलोंग एक्ट करेगा T1 ठीक है तो पुली वाले क्वेश्चन में सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाओ और जो भी फोर्सेस वहां पे एक्ट कर रहे हैं उनको लिख डालो ठीक है इसके अलावा क्या होगा अब जैसे ही इन मासस की मूवमेंट होगी अब भाई ये मूव करेगा तो कुछ वेलोसिटी से मूव करेंगे कुछ एक्सेलरेट करेंगे राइट तो लेट लेटर्स है एम टू का होगा दैट इज ए टू और एम वन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज ए वन ठीक है ये थोड़ी बहुत बातें हम पहले लिख के रखते हैं ठीक है ओके लिख लिया अब देखो अब कुछ सिचुएशंस की बातें करेंगे अगर हमारा ये पुली लेस हुआ मतलब पुली में कोई फ्रिक्शन नाम की चीज ही नहीं है ठीक है अगर तो ये फ्रिक्शन लेस पुली हुआ तो उस केस में बच्चों हमेशा याद रखना कि टी वन विल बी इक्वल टू टी टू एंड ए वन विल बी इक्वल टू ए टू ठीक है इवन दो ये एम वन एम टू मासेस हैं फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर ये पुली अगर फ्रिक्शन लेस है तो टी वन और टी टू की वैल्यू हमेशा बराबर होगी सिमिलरली ए वन और ए टू की वैल्यू भी हमेशा बराबर होगी लेकिन अगर ये पुली फ्रिक्शन लेस नहीं है उस केस में टी वन और टी टू की वैल्यू बराबर नहीं होगी ए वन और ए टू की वैल्यू भी बराबर नहीं होगी हालांकि आप नोटिस करोगे कि आपके लेवल पे अधिकतर जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर क्वेश्चन में दिया ही रहता है है कि लेटेस से दिस इज अ फ्रिक्शन लेस पुली फ्रिक्शन लेस पुली जैसे ही आ गया तो आप समझ जाना कि दिस इज गोइंग टू होल्ड ट्रू ठीक है ओके अगले टिप पे आते हैं अब मान लो अगर आपका एम वन इज ग्रेटर देन एम टू है मतलब ये एम वन की वैल्यू एम टू से ज़्यादा है अब देखो जो ज़्यादा भारी है लॉजिकली सोचो ये ज़्यादा भारी है तो ये नीचे की तरफ लटकेगा यानी कि उस केस में क्या होगा एम जो है क्या किधर मूव करेगा एम वन मूव करेगा नीचे की तरफ और एम टू मूव करेगा ऊपर की तरफ करेक्ट मतलब M1 नीचे की तरफ आएगा और इधर से M2 ऊपर की तरफ जाएगा M1 नीचे आएगा विद एक्सेलरेशन a1, M2 ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन a2। ठीक है और अगर ये फ्रिक्शनलेस पुली है तो a1, a2 की वैल्यू एनी बराबर है ठीक उसी तरीके से अगर अदर वे राउंड हुआ मतलब कि अगर M1 की वैल्यू कम हुई M2 से तो क्या हो जाएगा चूंकि M2 टू हैवी है M2 नीचे की तरफ आएगा तो M1 ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा M1 ऊपर की तरफ जाएगा और M2 नीचे की तरफ आएगा ठीक है तो एक लगभग पिक्चर क्लियर हो रहा है दिमाग में स्टार्टिंग में ही हम कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे स्टार्टिंग में तो हम बिल्कुल बेसिक चीजें देखेंगे कि भाई हाँ ठीक है पुली वाले सवालों में क्या होता है सिचुएशन कैसा होता है पहले तो सिचुएशन को समझेंगे राइट उसके बाद ही तो हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे तो चलो अब देखते हैं केस नंबर टू यानी कि अब हम एक दूसरा सिचुएशन देखेंगे इस सिचुएशन में क्या अलग होने वाला है यहाँ पे भी एक पुली है बट अब इस पुली में दो मासस कनेक्टेड है जिसमें से एक मास जो है वो एक स्मूथ हॉरिजोंटल सरफेस में लाई कर रहा है इसका मतलब लेटेस से ये एक पुली है ठीक है अब इधर जो है इससे एक मास यू लटका हुआ है लेकिन दूसरी तरफ जो है एक ऐसा मास है जो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है ठीक है तो बेसिकली ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर ये मास है तो देखो अब पुली जो है उससे एक मास यू कनेक्टेड है और एक मास इस सरफेस पे कनेक्टेड है ठीक है लेट अस से ये ये है है और ये M2 है. ठीक है पुली वाले प्रॉब्लम में सबसे पहले हम किसे डिनोट करेंगे टेंशन टेंशन फोर्स दिखाना है भाई एम टू यहाँ पे है टेंशन का फोर्स हमेशा किस तरफ एक्ट करता है टूवर्ड्स तो द पुली तो यानी कि ये एम टू की वजह से यहाँ पे होगा टी टू ठीक उसी तरह से इस M1 की वजह से होगा T1 T1 भी पुली की तरफ एक्ट करेगा यानी कि इस तरफ एक्ट करेगा ठीक है तो हमने टेंशन फोर्सेस डिनोट कर दिए अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर ये M2 अब इसमें देखो सेटअप कुछ ऐसा है ना कि अगर M2 नीचे की तरफ जाएगा तो M1 राइट right की तरफ जाएगा अगर M2 ऊपर की तरफ जाएगा तो ये M2 लेफ्ट की तरफ जाएगा सेटअप ही वैसा है राइट तो चाहे कोई किधर भी जाए M2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक्सेलरेशन होगा a2, M1 के कॉरस्पोंडिंग एक एक्सेलरेशन होगा a1। ठीक है अब यहाँ पर भी वही चीज़ें लागू होंगी अगर मेरा पुली फ्रिक्शन लेस है इसका मतलब T1 की वैल्यू T2 के वैल्यू के बराबर होगी A1 की वैल्यू A2 के बराबर होगी अगर पुली फ्रिक्शन लेस नहीं है उस केस में T1 जो है ना तो T2 के बराबर होगी और ना ही A1 जो है वो A2 के बराबर होगी जैसा कि पहले था अब अगर हम बात करें मोशन की M1 और M2 के मोशन की अगर हम बात करें तो बच्चों देखो अगर M2 जो है डाउनवर्ड मूव करता है तो क्या होगा ये अगर नीचे की तरफ मूव करेगा तो M1 किधर मूव करेगा M1 जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा ठीक है मतलब मोशन को समझना पड़ेगा ना भाई मान लो अगर M2 टू हैवी है M2 नीचे की तरफ जा रहा है उस केस में M1 राइट की तरफ मूव करेगा ठीक है अच्छा अब अगर हम बात करें फोर्सेस की तो जब हम M1 की बात करेंगे ठीक है M1 का जो मोशन है वो अलोंग द हॉरिजोंटल सरफेस है तो इसीलिए जब हम M1 की बात करेंगे तो हम हॉरिजोंटल फोर्सेस की बात करेंगे कौन सी हॉरिजोंटल फोर्सेस जैसे एक फोर्स हो गया T1 देखो हॉरिजोंटली एक्ट कर रहा है दूसरा फोर्स हो जाएगा फ्रिक्शन जो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा होगा तो यानी कि जब हम इस M1 की बातें करेंगे तो वहां पर हम इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उस पर फोकस डालेंगे ठीक है क्यों क्योंकि इसका मोशन हॉरिजॉन्टली हो रहा है दूसरी तरफ जब हम M2 की बात करेंगे तब हम फोकस करेंगे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन जैसे देखो T2 इसका एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ उसी तरह ये अगर एम है तो नीचे इसका एम यानी कि इसका जो वेट है उसका जो फोर्स एक्ट करेगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा राइट तो इस ऑब्जेक्ट के लिए चूंकि इसका जो मोशन है ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के लिए हम फोकस करेंगे इसके वर्टिकल फोर्सेस के ऊपर ठीक है अभी फिलहाल हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बता रही हूँ क्योंकि इसके बाद जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर इन्हीं छोटी छोटी चीजों का हम यूज करेंगे तो बच्चों तैयार हो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चलो सॉल्व करते हैं सो so, पहला क्वेश्चन तो पहला सवाल कहता है कि एन ऑटोमोबाइल इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.60 यानी कि ये वैल्यू किसकी है म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस इन विच द व्हीकल वुड बी स्टॉप्ड व्हीकल को आप स्टॉप कराना चाह रहे हो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0 आपको निकालना क्या है कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस यानी कि एस की वैल्यू निकालनी है ठीक है और क्या दिया हुआ है इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है यू की वैल्यू है ठीक है अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है ये 54 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं क्योंकि ऐसे तो लगता है कि हाँ यूनिट थी तो चेंज करना है बट अगर करना भूल गए तो पूरा आंसर गलत आएगा सो so, 54 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करोगे फिफ्टी फोर इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाई सिक्सटी 60 सिक्सटी सो दिस कम्स आउट टू बी फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड ठीक है ये हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी अब निकालना मुझे क्या है मुझे एस की वैल्यू निकालनी है अब देखो इसमें से साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पर हम यूज करेंगे काइनेमेटिक्स के इक्वेशन कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं जैसे कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्स टू ए एस यूज कर सकते हैं वी हमें पता है यू हमें पता है एस हमें निकालना है लेकिन ए हमें पता नहीं है एक्सेलरेशन पता नहीं है तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं सोचो थोड़ा सा एक्सेलरेशन कहा से निकालेंगे फ्रिक्शन के बारे में आइडिया है हमें यानी कि फोर्स के बारे में आइडिया है तो फोर्स के बारे में आइडिया है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं है ना तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं तो देखो ये जो व्हीकल है इस व्हीकल को मूव करने के लिए तुम्हें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा राइट इन सम वे यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स अदरवाइज स्टैटिक फ्रिक्शन तुम्हें मूव नहीं करने देगा है ना तो यानी कि जो तुम्हारा अप्लाइड फोर्स होगा वो कम से कम कितना होना पड़ेगा वो कम से कम उतना होना पड़ेगा जितना स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है राइट उससे ज्यादा जब होगी तभी तुम्हारा व्हीकल मूव करेगा और यहां फिलहाल तुम्हारा व्हीकल मूव कर रहा है तो यानी कि जो तुम्हारा एफ अप्लाइड होगा इसकी वैल्यू एफ एक्स मैक्स के बराबर होनी चाहिए फॉर द व्हीकल टू मूव और एफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है म्यू एस इंटू एन राइट अब देखो लेटर से कि ये तुम्हारा व्हीकल है ठीक है अब ये जो व्हीकल है नीचे की तरफ लेटर से इसका मास है एम तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा एम ऊपर की तरफ एक्ट करेगा इसका नॉर्मल फोर्स ठीक है अब तुमने इसको फोर्स अप्लाइड दिया इस तरफ क्योंकि तुम इसे इस तरफ मूव कराना चाह रहे हो लेकिन जो फ्रिक्शन है वो किधर एक्ट कर रहा है वो एक्ट कर रहा है इस तरफ ठीक है तो तुम्हारा व्हीकल मूव कब करने लगेगा जब तुम्हारा अप्लाइड फोर्स एफ एस यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा तो तो ये मूव करने लग जाएगा ठीक है ना तो मतलब जो तुम्हें कम से कम जो फोर्स तुम्हें अप्लाई करना है दैट इज इक्वल टू एफ एस की वैल्यू विच इज म्यू एस इन एन अब यहां से मुझे दिख रहा है एन की वैल्यू किसके बराबर होगी एन इज इक्वल टू एम जी राइट एन अगर ऊपर की तरफ है एम जी नीचे की तरफ है ठीक है तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ इसे मैं लिख सकती हूँ म्यू एस इंटू एम जी ठीक है ओके <coughs> okay. अब ये जो अप्लाइड फोर्स है न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एंड दिस इज इक्वल टू अभी अभी हमने बोला म्यू एस इंटू एम जी तो एम एम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू जी तो देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू मुझे मिल गया क्योंकि म्यू एस का वैल्यू गिवन है और जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है तो चलो अब इसके हेल्प से हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज़ करेंगे कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे जैसा कि मैंने बताया थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे विच इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायेर प्लस टू ए एस वहीकल को मुझे स्टॉप करना है तो v की वैल्यू हो जाएगी जीरो u स्क्वायर u की वैल्यू है फिफ्टीन तो फिफ्टीन का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है म्यू एस इंटू जी सो दिस विल बी म्यू एस इंटू जी इंटू एस ठीक है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जीरो इज इक्वल टू टू ट्वेंटी फाइव प्लस टू इंटू म्यू एस की वैल्यू है जीरो पॉइंट सिक्स जी की वैल्यू है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस डेयर फोर एस की वैल्यू हो जाएगी नाइनटीन पॉइंट वन थ्री मीटर तो इसे जब कैलकुलेट करोगे तो s की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी यानी कि इतने डिस्टेंस में जाके इतना मिनिमम डिस्टेंस है जब व्हीकल जो है वो हमारा रुक जाएगा ठीक है तो समझ में आया कैसे अप्रोच किया हमने देखो तो इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने के ना दोनों ही तरीके होते हैं एक तो होता है फार्मूला बेस्ड अप्रोच जिसमें बहुत से बच्चे ये देखने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कौन से फार्मूला में फिट इन हो रहा है ठीक है सो दैट सीन्स टू बी एन ईजियर अप्रोच क्योंकि फार्मूले आपको याद होते हैं तो आप बस ट्राई करते रहते हो कि इस फार्मूला में ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है ये वैल्यू मैं किस और फार्मूले से निकाल सकता हूँ तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम इट वर्कस हालांकि अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली सोच के सॉल्व करोगे दैट इज़ बेटर क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं तो वहां पर शायद डायरेक्ट फॉर्मूला का यूसेज मे नॉट बी दैट यूजफुल ठीक है तो यहां पर आपको पिक्चर समझ में आ गया सिचुएशन कैसा था एक गाड़ी थी जो जिसको जो मूव कर रहा था यानी कि जो आपका अप्लाइड फोर्स था वो कम से कम कितना था स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर था स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है वो हमें पता है म्यू एस इंटू एन एन क्या था यहां पर एम जी के बराबर था ठीक है और इस तरीके से हमने एक्सेलरेशन निकाला एक बार एक्सेलरेशन निकल गया तो हमने यूज कर दिया काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन ठीक है तो चलो बच्चों देखते हैं प्रॉब्लम नंबर टू तो ये प्रॉब्लम कह रहा है कि अ रबर बार इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल बाय अ स्प्रिंग सिचुएशन को समझेंगे लेट अस से एक वर्टिकल वॉल है इस तरीके से ठीक है और हमारे पास क्या है एक रबर बार है इस तरीके का एक बार है ठीक है जो इस वॉल से कैसे कनेक्टेड है बाय अ स्प्रिंग इस तरीके से ठीक है तो ये हमारा सेटअप है द इलास्टिक फोर्स ऑफ़ द स्प्रिंग इज नॉर्मल टू द वॉल एंड इक्वल टू 200 न्यूटन अब ये जो जो स्प्रिंग का इलास्टिक फोर्स है मतलब स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करोगे तो वो वॉल पे कुछ फोर्स देगा ठीक है एंड दैट फोर्स इज गिवन एज 200 न्यूटन ठीक है विच फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द बार टू इनिशिएट मोशन मतलब इस बार में अगर मोशन इनिशिएट करना है तो कितना फोर्स देना पड़ेगा ठीक है मोशन इनिशिएट करने के लिए जो अप्लाइड फोर्स है वो कम से कम किसके बराबर होना चाहिए कम से कम कितना अप्लाइड फोर्स देना पड़ेगा जितना एफ एस मैक्स की वैल्यू है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि हमें क्या पता है जैसे जैसे फोर्स अप्लाई करोगे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा बट स्टैटिक फ्रिक्शन एक लिमिटिंग वैल्यू तक ही बढ़ेगा विच इज एफ मैक्स उसके बाद भी अगर तुम फोर्स अप्लाइड बढ़ाते जाओगे तो तुम्हारा मोशन चालू हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स तुम्हारा कितना होना चाहिए कम से कम एफ एस मैक्स के बराबर होना चाहिए हमें क्या पता है एफ एस क्या होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स म्यू एस की वैल्यू कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है as 0.75 नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या है देखो नॉर्मल फोर्स कैसे एक्ट करेगा ये ब्लॉक है ये वॉल है तो इसके नॉर्मल एक्ट करेगा नॉर्मल फोर्स तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 200 न्यूटन तो यानी कि म्यू एस हो जाएगा 0.75 नॉर्मल फोर्स हो जाएगा 200 सो दिस विल बी इक्वल टू 150 न्यूटन ठीक है तो इतना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा अगर हम इस बार में मोशन इनिशिएट करना चाहते हैं तो बच्चों तैयार हो अगले सवाल के लिए तो अगला सवाल यानी कि प्रॉब्लम नंबर थ्री ये कह रहा है कि अ होमोजेनियस चेन ऑफ लेंथ एल लाइज ऑन अ टेबल ठीक है वॉट इज द मैक्सिमम लेंथ एल ऑफ द पार्ट ऑफ द चेन हैंगिंग ओवर द टेबल इफ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल इज यू चेन रिमेनिंग एट रेस्ट विद द टेबल क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया पिक्चर बनाते हैं ठीक है लेटर से ये टेबल है टेबल के ऊपर इस तरीके से एक चेन है जिसका थोड़ा सा पार्ट नीचे लटक रहा है कुछ इस तरीके से अब मैं बहुत ब्यूटीफुल ड्राइंग तो नहीं कर रही हूँ बट एटलीस्ट आपको समझा दे रही हूँ कि क्या सिचुएशन कैसा है तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन है अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पूरे चेन का जो टोटल लेंथ है दैट इज एल ठीक है एंड व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ स्मॉल एल ऑफ द पार्ट ऑफ द चेन हैंगिंग ओवर द टेबल यानी कि जितना पार्ट टेबल से नीचे हैंग कर रहा है ये लेटे से स्मॉल एल है तो ये जितना पार्ट टेबल के ऊपर है वो कितना हो जाएगा कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल ठीक है बात समझ में आ गई ये मेरा टेबल है ठीक है क्लियर है यहां तक ओके okay. अब देखते हैं मान लो कि ये जो रो है ना रो इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस चेन ठीक है क्यों एज्यूम किया हमने अभी पता चलेगा अब देखो ये जो हैंगिंग पार्ट है ना इस हैंगिंग पार्ट का नीचे की तरफ एक्ट करेगा इसका वेट विच इज एम जी राइट तो इसका एम जी कितना हो जाएगा देखो अब अगर मैं बात करूं हैंगिंग पार्ट की तो हैंगिंग पार्ट का जो मास हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू रो l ठीक है क्लियर है तो यानी कि हैंगिंग पार्ट का नीचे का जो ये जो वेट है ना लेट्स से दिस इज w1 तो ये w1 कितना हो जाएगा m into g m यहां पे क्या है रो l into g ठीक है तो इतना रो l g जो है ये नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट करेगा ओके okay. अब बात करते हैं जो टेबल वाला पार्ट है उसके बारे में तो जो टेबल वाला पार्ट है उसका मास कितना हो जाएगा रो इंटू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल ये जो है इसका वजन कितना हो जाएगा मतलब इसका मास कितना हो जाएगा रो इंटू कैपिटल एल माइनस एल ठीक है तो यानी कि इसका जो एम जी है विच इज लेट से डब्ल्यू टू वो क्या हो जाएगा रो इंटू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल इंटू जी ठीक है तो ये दोनों पार्ट का ये क्या हो गया ये हो गया इनका एम वाला वैल्यू ठीक है अब देखो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इधर W1 वन एक्ट कर रहा है तो भाई देखो ये जितना इधर जाएगा, इधर जाएगा से कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा इधर से एक्ट कर रहा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक है तो यानी कि हम इस F को इक्वेट कर सकते हैं W1 के साथ ठीक है W1 की वैल्यू हमने यहां से निकाली है विच रो एल जी एंड दिस इज इक्वल टू फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ था म्यू ठीक है तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इन टू एन ठीक है तो ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया ओके okay. अब देखो दूसरा वाला जो डब्ल्यू टू की हम बात कर रहे हैं उस डब्ल्यू टू के साथ पिक्चर कैसा होगा यहां पर जो टेबल वाला पार्ट है उसका W2 U नीचे की तरफ है और इसका जो एक रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा इस तरीके से तो यहाँ पर इसका ऊपर जो है नॉर्मल फोर्स हो जाएगा ऊपर N, तो ये हो जाएगा W2 टू शुड बी इक्वल टू एन डब्ल्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी वही वैल्यू इस डाल देंगे तो ये हो जाएगा रो कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल इन जी इज़ इक्वल टू एन तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन टू हमें निकालना क्या था हमें निकालना था वॉट इज़ द मैक्सिमम लेंथ कैप स्मॉल एल यानी कि हमें स्मॉल एल की वैल्यू निकालनी है ठीक है अब इन दोनों इक्वेशन से क्या हम निकाल सकते हैं बिल्कुल ट्राई तो कर ही सकते हैं तो लेट्स से इसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं हम वन और टू को डिवाइड कर देते हैं तो अगर वन डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे रो एल जी डिवाइडेड बाय रो इनटू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल इनटू जी दैट इज़ इक्वल टू म्यू एन डिवाइडेड बाय एन ये हो जाएगा रो रो कैंसिल जी जी कैंसिल एन एन कैंसिल तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एल इज़ इक्वल टू म्यू कैपिटल एल माइनस म्यू स्मॉल एल ठीक है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो स्मॉल एल वाले को एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा वन प्लस म्यू इंटू स्मॉल एल इज़ इक्वल टू म्यू इंटू कैपिटल एल यानी कि स्मॉल एल इज़ इक्वल टू म्यू कैपिटल एल डिवाइडेड बाय वन प्लस म्यू एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है बात समझ में आई कि हमने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया हमने क्या लॉजिक लगाया सबसे पहले तो पिक्चर बना लिया पिक्चर जैसे ही बना लिया तो हमने बोला कि भाई ये हैंगिंग पार्ट है तो हैंगिंग पार्ट का नेट नेट कितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसके वेट की वजह से W1. जो पार्ट टेबल के ऊपर है उसके वेट की वजह से कितना फोर्स एक्ट कर रहा है W2. ठीक है अब देखो ये जो हैंगिंग पार्ट है ना इधर से W1 है और इधर से फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन और W1 को हमने इक्वेट कर दिया अगर टेबल के ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो नीचे W2 है और ऊपर नॉर्मल फोर्स है तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया तो इस तरह से हमें दो एक्सप्रेशन मिल गए और उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमें स्मॉल एल का एक्सप्रेशन मिल गया तो चलो देखिए अगला क्वेश्चन विच इज प्रॉब्लम नंबर फोर और जो कि है एक पुली वाला सवाल जी हाँ पुली के वाले क्वेश्चंस जैसे कि मैंने पहले भी बताया था बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं तो चलो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है अन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कनेक्ट्स ब्लॉक्स एम वन लाइट फ्रिक्शन लेस पुलिस देखा क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रिक्शन लेस पुलिस है यानी कि अब हमें पता होगा कि टी वन टी टू की वैल्यू बराबर है ए वन ए टू की वैल्यू बराबर है ठीक है एम वन मूव ओवर अ फ्रिक्शन लेस सरफेस वाइल एम टू मूव वर्टिकली यानी कि ये हमारा वो दूसरा वाला सिचुएशन है जहां पर एक एम टू है जो वर्टिकली मूव कर रहा है इस तरीके से और एक एम वन है जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से ठीक है ये हमारा सिचुएशन है ओके फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द द टेंशन इन स्ट्रिंग यानी कि हमें ए की वैल्यू निकालनी है और हमें टी की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले जैसे ही हमने पुली का डायग्राम बना लिया तो फोर्सेस बना लेंगे कहां पे क्या फोर्स है एम टू है नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट करेगा विच इज एम टू जी ठीक है टेंशन कहाँ एक्ट करेगा एलोंग द वायर टूअर्ड्स द पुली तो ये हो जाएगा टी टू यहाँ पर भी टेंशन एक्ट करेगा अलोंग द वायर टूअर्ड्स द पुलिस दिस इज टी वन ठीक है अब देखो ये जो मास M2 है जब भी ये मूव करेगा लेट से ये वर्टिकली अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है हम एज्यूम करते हैं कि M2 जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a हमने क्या सीखा था अगर M2 नीचे की तरफ जाएगा तो M1 किधर जाएगा तो M1 वन राइट की तरफ जाएगा विथ एक्सेलरेशन a क्योंकि a1 और a2 की वैल्यू बराबर होती है दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा बिकॉज दिस इज अ फ्रिक्शन लेस पुलिस ठीक है अच्छा यहाँ पर हमें टी वन टी टू की भी जरूरत नहीं थी वी कैन जस्ट राइट टी क्योंकि टी वन और टी टू की वैल्यू तो सेम ही है राइट तो टी वन टी टू लिख के कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है चलो अब हमने सब कुछ लिख, लिख लिया इनफैक्ट हमने दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है ठीक है अब इक्वेशन लिखने की बारी है तो चलो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं हम एम टू का ठीक है तो m2 का इक्वेशन कैसा हो जाएगा चूंकि m2 नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा है विच इज एम वो ज्यादा बड़ा है तो एम टू जी माइनस टी राइट नीचे की तरफ एम टू जी एक्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ टी एक्ट कर रहा है चूंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो हम एज्यूम करते हैं कि एम टू जी ज़्यादा बड़ा है टी से तो एम टू जी माइनस टी ये जो नेट फोर्स है इसी फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन है दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ठीक है ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन देखा फ्री बॉडी डायग्राम से कितना आसान हो गया सब कुछ ओके okay. अब फोकस करते हैं एम वन पे एम वन पे क्या हो रहा है अब भाई ये नीचे की तरफ जा रहा है तो एम वन इस तरफ जा रहा है राइट तो एम वन के केस में क्या हो रहा है जो टी है राइट उस टेंशन की वजह से ही क्या है उसका एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू यहाँ पे ये M2 होगा ठीक है यहाँ पे हो जाएगा T इज इक्वल टू M1 वन ए तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर टू क्योंकि यहाँ पे एम वाला फंडा तो है नहीं यू ये हॉरिजों मूव कर रहा है तो एम तो वर्टिकल पे है मैंने क्या बताया था जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजोंटली मूव करता है तो हम उन फोर्सेस पे फोकस करते हैं जो हॉरिजोंटल डिरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर यहाँ पे आप बोल सकते हो तो कि सरफेस का फ्रिक्शन क्यों नहीं कंसिडर किया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज अ फ्रिक्शन लेस सर्फेस तो यानी कि फ्रिक्शन का यहाँ पे कोई सीन नहीं है ठीक है तो ये मेरे दो इक्वेशन बन गए ठीक है अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम टी की वैल्यू और ए की वैल्यू निकालेंगे ठीक है अब देखो t की वैल्यू m1a है इसी वैल्यू को हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे t इज इक्वल टू एम वन ए इसको पुट करो पहले इक्वेशन में तो क्या मिलेगा एम टू जी माइनस एम वन ए इज इक्वल टू एम टू ए तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू एम टू जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ए तो निकल गया एक बार ए निकल गया तो टी निकालना आसान है बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान है अब हम फोकस करेंगे सेकेंड इक्वेशन पे यहाँ से हम कह सकते हैं कि टी इज इक्वल टू एम वन इन टू ए अब ए की वैल्यू तो निकाल ही रखी थी विच इज़ एम टू जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू सो दिस इज इक्वल टू एम वन एम टू जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू तो ये हो जाएगा T का एक्सप्रेशन तो अभी मैंने एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों का एक्सप्रेशन लिख दिया है वैल्यूज तो आप खुद ही डालोगे एम वन टेन के जी है और एम टू फाइव के जी है ठीक है चाहिए तो चलो इसमें वैल्यू डाल भी देते हैं यहाँ पे एम टू की वैल्यू डालेंगे फाइव और एम वन की वैल्यू है टेन सो टेन प्लस फाइव इज फिफ्टीन एंड दिस इज जी सो दिस विल बी इक्वल टू जी की जगह हम लिख देंगे नाइन पॉइंट एट डिवाइडेड बाई थ्री विच इज इक्वल टू थ्री पॉइंट टू सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे ठीक उसी तरीके से टेंशन की वैल्यू आप खुद ही कैलकुलेट कर लो एम वन एम टू जी तीनों की वैल्यू तो पता है वैल्यू डालो टी की वैल्यू निकल आएगी तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर फाइव एंड द प्रॉब्लम नंबर फाइव से मास ऑफ फोर के जी रेस्ट ऑन अ हॉरिजोंटल प्लेन द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू फिफ्टीन डिग्री विद द हॉरिजोंटल ठीक है five, says, plane. Plane an angle, इसका मतलब एक इस तरीके का इंक्लाइंड प्लेन है जिसको कितने एंगल पे इंक्लाइन कर दिया गया है फिफ्टीन डिग्री एंगल पे ठीक है और इस इंक्लाइंट प्लेन के ऊपर रेस्ट कर रहा है एक मास एम जिसका मास है फोर के ठीक है ओके okay. द मास जस्ट बिगिनस टू स्लाइड अब जैसे जब तक मास यूं था ऐसे स्ट्रेट औरिजॉन्टल प्लेन पे था तब तक तो वो चुपचाप बैठा हुआ था जैसे ही उसको इंक्लाइन कर दिया तो ये स्लोप के लॉन्ग स्लाइड करने लग गया वॉट इज द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सर्फेस हमें क्या निकालना है इस ब्लॉक और सर्फेस के बीच का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू निकालनी है कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है ठीक है सबसे पहले क्या करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल वही करेंगे हम अब देखो ये एम है एम का वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा क्या एम जी यानी कि वेट ऑफ द बॉडी ठीक है नॉर्मल कहाँ एक्ट करेगा नॉर्मल टू द सरफेस सरफेस तो ऐसे है तो यानी कि नॉर्मल ऐसे एक्ट करेगा सो दिस इज योर नॉर्मल ठीक है अभी देखो ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो यानी कि फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा ऊपर की तरफ एक्ट करेगा फ्रिक्शन ठीक है सो so, ऊपर फ्रिक्शन एक्ट करेगा इस तरफ ओके okay, ये भी समझ में आ गया अब देखो अब हमें करना क्या है लगभग समझ में आ गया राइट कहाँ पे कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे अब इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई एम का एन के अलाउ कौन सा कॉम्पोनेंट है क्योंकि हम फोर्सेज को इक्वेट कैसे करते हैं हॉरिजोंटल वाले फोर्सेज को इक्वेट किया वर्टिकल वाले फोर्सेस को इक्वेट किया वैसे ही करते हैं ठीक है तो देखो अगर ये एम एम जी है तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा ठीक है अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही हो जाएगा राइट right? मैथमेटिकली अगर देखो तो इसी चीज को हम इस तरीके से देख रहे हैं मतलब बेसिकली ये एंगल आया ही क्यों अगर पहले क्या था पहले मेरा ब्लॉक ऐसे था ठीक है तो मेरा एम ऐसे एक्ट कर रहा था ठीक है ना अब अगर इस पूरे ब्लॉक को ही मैंने 15 डिग्री से ऐसे घुमा दिया ठीक है तो अब मेरा एम भी जो है वो भी तो 15 डिग्री से घूम गया ना भाई पहले ऐसे था अब ऐसे घूम गया तो मतलब ये कितने डिग्री से घूम गया 15 डिग्री से घूम गया इसको अच्छे से समझो बच्चों वरना समझ में नहीं आएगा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल बराबर क्यों है और ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा भी नहीं होता है राइट ओनली वेन यू थिंक वेन यू विजुअलाइज आप समझ पाओगे पहले मेरा ब्लॉक अगर हॉरिजोंटल सरफेस में था तो एम ऐसे एक्ट कर रहा था मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया फिफ्टीन डिग्री से तो क्या हो गया अब मेरा एम ऐसा हो गया टेढ़ा हो गया कितने से टेढ़ा हो गया फिफ्टीन डिग्री से क्योंकि उसको घुमाया उसको इंक्लाइन ही किया था फिफ्टीन डिग्री से क्लियर हो गई बात तो उसी वजह से ये वाला मेरा जो एंगल है दिस एंगल विल ऑल्सो बी फिफ्टीन डिग्री ठीक है क्लियर हो गया अब अगर ये एम है तो ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा एम जी कॉस डिग्री। उसी तरह से ये वाला कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा थीटा इज फिफ्टीन डिग्री ठीक है वेक्टर का कंपोनेंट्स ये तो हमने सीख ही रखा है जब हमने वेक्टर्स वाला लेसन पढ़ा था ठीक है तो अब हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों कंप्लीट हो गया है ठीक है तो अब बारी है इक्वेशंस को लिखने की तो चलो अब इक्वेशन लिखेंगे हम ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे ये नॉर्मल के अलांग ये जो वर्टिकल वाला एक्सिस है इसके अलोंग अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि दिस एन ये जो नॉर्मल है दिस इज इक्वल टू दिस राइट दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है तो हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एम जी कॉस फिफ्टीन डिग्री ठीक है उसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो इस तरफ है एफ फ्रिक्शन और दूसरी तरफ है एम जी साइन फिफ्टीन डिग्री ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं तो एफ इज इक्वल टू एम जी साइन फिफ्टीन डिग्री ठीक है लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं मुझे निकालना क्या है वैसे मुझे निकालना है कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि मुझे म्यू एस की वैल्यू निकालनी है ठीक है ओके okay. अब ये एफ क्या है इसको अगर और टू बी मोर प्रिसाइज एफ इज नथिंग बट स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक है ना ओके okay. अब क्या करते हैं चलो एक काम करते हैं एफ एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं हमें क्या पता है व्हाट इज एफ एस इट इज़ म्यू एस इंटू एन तो इसे हम म्यू एस इंटू एन भी तो लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है तो यानी कि एक तो मेरे पास ये पहला इक्वेशन है और दूसरा अब ये वाला इक्वेशन है ठीक है अब हम क्या करेंगे इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा एन डिवाइडेड बाई म्यू एस इन टू एन दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा एम जी कॉस फिफ्टीन डिग्री डिवाइडेड बाई एम जी साइन फिफ्टीन डिग्री एम जी एम जी कैंसिल हो जाएगा एन एन कैंसिल हो जाएगा तो यहां से हम कह सकते हैं कि वन बाई म्यू एस

तो क्या किया हमने बेसिकली मैंने जैसा कि बताया था लॉज ऑफ मोशन के सभी क्वेश्चन चाहे पुली वाले क्वेश्चन हो चाहे इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन हो बच्चों अगर फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना पाए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा सिर्फ फार्मूला रट के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले ठीक है सो प्लीज गेट हैबिचुएटेड टू ड्राॅइंग फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या लॉजिक होता है इसका वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है राइट right, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने कैसे बनाया और कुछ इसी तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक है खत्म नहीं हुआ है एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो चलो तैयार हो एक और आखिरी न्यूमेरिकल देखने के लिए चलो देखते हैं ये फिर से आ गया हमारा पुली वाला प्रॉब्लम सो प्रॉब्लम नंबर सिक्स कह रहा है कि टू मास टू एम आर कनेक्टेड बाई अ मासलेस स्ट्रिंग विच ओवर अ पुली ठीक है द मासेस आर हेल्थ इनिशियली विथ इक्वल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द पुली मतलब इनिशियली सिचुएशन कुछ ऐसा था कि जो ये इस तरह से पुल है और इस तरह से बराबर लेंथ पे दोनों मासिस लगे हुए थे ठीक है मासिस में बना नहीं रही हूँ तो फिर से मुझे मिटा कर बनाना पड़ेगा राइट right? तो पहले सिचुएशन कुछ ऐसा था ओके okay? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस वेन द मोशन स्टार्ट लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था देर के बाद इनके बीच में मोशन स्टार्ट हो गया कि एक नीचे आने लग गया दूसरा ऊपर जाने लग गया तो तुम्हें बताना है कि भाई, acceleration कितना था और क्या बताना ऑल्सो फाइंड दैन द मास एम मूव अपीटर्स ठीक है तो बेसिकली यहां पर दूसरी तरफ है एक मास टू एम ठीक है पुली वाले सवालों में सबसे पहले क्या करते हैं टेंशन तो इसकी वजह से एक टेंशन टी होगा ऊपर की तरफ इसकी वजह से एक टेंशन टी होगा ऊपर की तरफ अगर बात करें इनके वेट की तो इसका वेट होगा नीचे एम इसका वेट नीचे एक्ट करेगा टू एम ठीक है क्योंकि इसका मास ही टू एम है ठीक है बहुत बढ़िया अब अगर हम मोशन की बात करें ठीक है तो लेट्स ये जो है अगर 2m एम चूंकि ज्यादा हैवी है तो वी आर एज्यूमिंग कि ये नीचे की तरफ जाएगा सो लेट्स से ये नीचे की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a <coughs> तो क्या होगा जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा विथ एक्सेलरेशन a ठीक है यहाँ तक कोई डाउट कोई डाउट नहीं है तो अगर यहाँ तक हमने पिक्चर समझ लिया है तो इसके बाद कुछ खास बचा नहीं है सिर्फ इक्वेशंस लिखने हैं तो चलो सबसे पहले बात करते हैं एम की तो M के केस में क्या हो रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि इसका जो T है वो ज्यादा बड़ा है क्योंकि ओवरऑल इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है तो जो फोर्स ऊपर की तरफ इसे खींच रहा है वो ज्यादा बड़ा है तो अगर हम M की बात करें तो इक्वेशन हो जाएगा T- माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए ये पहला इक्वेशन हो गया अब बात करते हैं 2m की 2m के, के केस में वो नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि जो नीचे का फोर्स है that is 2mg, ये ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू टी तो उसके केस में हो जाएगा 2mg एम माइनस टी इज इक्वल टू 2ma ये हो गया हमारा इक्वेशन टू ठीक है अब देखो मुझे a की वैल्यू निकालनी है हुँ? मुझे t भी पता नहीं है बट दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो यहाँ प्लस टी है यहाँ माइनस टी है अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए तो शायद t वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और बाकी चीज़ें हमें पता है है ना तो चलो ऐसा ही करते हैं हमने क्या किया वन और टू को ऐड कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा T माइनस एम जी प्लस टू एम जी माइनस टी और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा एम ए प्लस टू एम ए ठीक है अब लेफ्ट हैंड साइड में प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो जाएगा प्लस टू एम जी माइनस एम जी हो जाएगा एम जी और इधर हो जाएगा टू एम ए प्लस वन एम ए यानी कि थ्री एम ए तो एम एम कैंसिल हो जाएगा तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी बाई थ्री ठीक है इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब आप एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल ही लोगे ना जी की जगह नाइन पॉइंट एट डाल दो ठीक है तो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू तो निकाल ली यानी कि पहला पार्ट क्वेश्चन का हमारा हो गया दूसरा पार्ट क्या कह रहा था फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द मासेस व्हेन द मास मूव्स अप अ डिस्टेंस ऑफ फाइव मीटर्स कहा जा रहा है कि ये जो मास एम है जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है अगर ये पांच मीटर का डिस्टेंस मूव करता है तो तुम बताओ कि इन दोनों मासस की वेलॉसिटीज क्या होंगी तो चलो अब हम लोग फोकस करेंगे किस पे लेटस फोकस ऑन मास एम ठीक है मास एम पहले क्या था इनिशियली रेस्ट पे था यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है वही हमें निकालना है इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है एस फाइव मीटर्स कवर कर लिया है ये क्वेश्चन में गिवन है इसकी एक्सेलरेशन कितनी है अभी अभी तो निकाला था जी बाई थ्री जी बाई थ्री बोले तो नाइन पॉइंट एट बाई थ्री विच इज फिलहाल इसको जी बाई थ्री ही मान के चलते हैं सो दिस इज जी बाय थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब देखो ये वाली वैल्यूज के साथ क्या हम v की वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं यूजिंग द काइनेमेटिक इक्वेशन कौन सा वाला इक्वेशन थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस तो यहाँ से हमारा यू स्क्वायेर ज़ीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू इंटू ए की जगह हम लिख देंगे जी बाई थ्री इंटू एस की जगह लिख देंगे फाइव तो ये हो जाएगा टेन जी बाई थ्री ये हो जाएगी वी स्क्वायर की वैल्यू यानी कि वी की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर टेन जी बाई थ्री मीटर पर सेकंड तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ द मासेस अब आप पूछोगे ये तो मास m की कहानी हुई 2m का क्या यार जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम था तो ऑब्वियसली वो जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी दैट विल आल्सो बी द सेम राइट right? तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी निकाली तो आपने पहली बार क्लास नाइन्थ में पढ़ा था, right? और उस समय बताया था हाउ इंपॉर्टेंट आर दे जब आप एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तब भी जाके वो काइनेमेटिक्स के तीन इक्वेशन जो है ना वो सुपर यूजफुल होते हैं ठीक है सो so, बच्चों आई थिंक विद दिस आपको पुली वाले प्रॉब्लम्स का काफी हद तक आइडिया तो लग ही गया होगा बाकी डोंट क्लैरिटी के के तो को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ठीक है बट यहां पर आपको बेसिक एक आइडिया लग गया अप्रोच right? कि होता है हमारा पुली वाले के लिए। ठीक है तो इतने सारे प्रॉब्लम्स करके थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का आइडिया तो लग गया होगा हालांकि हमने थोड़े सिंपल और थोड़े स्लाइटली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए सो दैट यू गेट एन आइडिया कि किस तरीके से आप इनको सॉल्व करोगे ठीक है तो चलो अब हम डिस्कस करेंगे इस लेसन का लास्ट टॉपिक विच इज सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन होता क्या है मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका नाम खुद ही बता दे रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट का मोशन हो या फिर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करे इन सर्कुलर पाथ तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं अब सर्कुलर मोशन में होता क्या है मतलब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता क्यों है Logically सोचो, Let us say कि ये कार है ठीक है ये कार यू सीधे जाना चाहती है ठीक है लेकिन ये सीधे ना जाके अचानक यू गोल गोल घूमने लगती है ऐसा क्यों इसका मतलब कोई तो ऐसा फोर्स है जो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसको इस तरफ खींच रहा है फिर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में इसको इस तरफ खींच रहा है मतलब बेसिकली हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक ऐसा फोर्स है जो इसे यूं समझ लो कि इसके अंदर की तरफ इसे खींच रहा है करेक्ट और उसे फोर्स की वजह से ये जो गाड़ी है ये स्ट्रेट ना जाके ये यूं सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है राइट right? और इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये क्या करता है ये फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचता है तो लेट तो से ये सेंटर है ठीक है अब ये कार यूं जा रही थी इस पॉइंट पे इस ये फोर्स इसे सेंटर की तरफ खींचेगा फिर इस पॉइंट पे इसे सेंटर की तरफ खींचेगा फिर इस पॉइंट पे इसे सेंटर की तरफ खींचेगा तो देखो ऐसे सेंटर की तरफ हर पॉइंट पे खींचते खींचते ये इसे सीधे ना जाने दे के इसे सर्कल में घुमा रहा है एंड दैट इज सर्कुलर मोशन ठीक है तो सबको समझ में आ गया सेंट्रिपीटल फोर्स क्या होता है अब मैथमेटिकली देखेंगे सो मैथमेटिकली सेंट्रीपीटल फोर्स को हम एफ सी से डिनोट करते हैं सी ऑब्वियसली फॉर सेंट्रीपीटल एंड एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर ठीक है अब हमें क्या पता है न्यूटन से इंटू होता है. तो उस लॉजिक से यहां पर एक्सेलरेशन जो है दैट इज वी स्क्वायर बाई आर तो इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन तो बच्चों जैसे ही हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो यहां पर हम दो सिनेरियोस डिस्कस करेंगे जो हमारा कार है वो या तो लेवल रोड पे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है दूसरा अगर वो बैंक रोड में मूव कर रहा है बैंक रोड मतलब जहाँ पे देखा होगा ना जैसे अगर आप हिल स्टेशन वगैरह जाते हो तो वो रोड जो है ना वो एक तरफ बैंक होता है पूरा मतलब एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे इस टाइप से होता है रोड तो गाड़ी आपकी यूं जा रही होती है और एक होता है लेवल रोड जहाँ पे आपका प्लेन होता है तो फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल रोड वाले पे तो ये आपकी कार है दिस इज द लेवल रोड ठीक है एज्यूमिंग कि कार का मास है एम तो नीचे एक्ट करेगा एम जी ऊपर की तरफ एक्ट करेगा नॉर्मल ठीक है अब ये जो कार है ये यू सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा क्योंकि अगर ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है इसका मतलब देर इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग टुवॉर्ड द सेंटर जिसे हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं राइट और वो सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से आ रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि एफ एस से आ रहा है ठीक है एफ एस के बारे में कुछ बातें जो हमें ऑलरेडी पता है जैसे एफ एस की जो वैल्यू है एट द मैक्स कितनी हो सकती है म्यू एस इंटू एन यही इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू या तो इतनी होगी नहीं तो इससे कम होगी ठीक है तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं कि एफ एस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन की जगह क्या लिख सकते हैं एन को कौन बैलेंस कर रहा है एम जी लिख दिया अब ये जो एफ एस है यही फ्रिक्शन का फोर्स कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपीटल फोर्स एग्जैक्टली विच इज एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपीटल फोर्स क्या होता है मास इंटू सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन विच इज़ वी स्क्वायर बाई आर तो वहीं से आ गया सेंट्रीपीटल फोर्स सो दिस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी देखो दोनों तरफ एम एम कैंसल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी तो हम लिख सकते हैं कि वी इज लेस देन इक्वल टू रूट ओवर म्यू एस आर जी ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है ये एक्सप्रेशन कह रहा है कि इस कार की जो वेलोसिटी है वो या तो इस वैल्यू से कम होगी या फिर इसके बराबर होगी यानी कि कोई भी कार अगर सर्कुलर मोशन में एक लेवल रोड पे मूव कर रहा है तो उसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है दैट इज गिवेन बाई दिस ध्यान रखना है दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार इन अ सर्कुलर मोशन ऑन अ लेवल रोड ठीक है अब बिल्कुल इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे किसके केस में ऑन अ बैंक रोड तो चलो बच्चों सबसे पहले देखते हैं एक कार का मोशन कैसा होता है ऑन अ बैंक बैंक रोड रोड क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया तो कुछ इस तरीके का मोशन होता है जब ये एक बैंक रोड से जा रहा होता है मतलब इट इज नॉट अ लेवल रोड एक तरफ नीचे है तो दूसरी तरफ ऊपर है तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम डायग्राफ लेटर से ये मेरा कार है जिसका मास है एम तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा एम जी ये इसका सरफेस है फिलहाल तो इसीलिए जो नॉर्मल एक्ट करेगा वो इस तरफ एक्ट करेगा एन ठीक है क्लियर है यहाँ तक ओके अब देखो ये नॉर्मल के जो कॉम्पोनेंट्स होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे एक इस तरफ एक इस तरफ अस एज्यूम कि ये एंगल थीटा है ठीक है अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा तो अगर ये एन है तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा और ये हो जाएगा n sin थीटा ठीक है क्लियर है कुछ खास नहीं कर रही हूं मैं मैं बस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रही हूं इफ दिस इज n दिस इज n cos थीटा दिस इज n sin थीटा और कौन-कौन से फोर्सेस कार पे लग रहे होंगे खुद सोचो कार रोड पे चल रही है तो फ्रिक्शन का फोर्स तो रहना ही रहना है है कि नहीं तो लेट्स से अगर फ्रिक्शन लेट्स से इस तरफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं तो इस फ्रिक्शन के भी कॉम्पोनेंट्स होंगे करेक्ट होंगे कि नहीं होंगे फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट कर रहा है मतलब समवेयर अलोंग दिस डिरेक्शन है ना तो इस फ्रिक्शन का भी इस तरफ हो जाएगा एफ कॉस थीटा और इधर नीचे की तरफ हो जाएगा एफ साइन थीटा ठीक है ये हो गए फ्रिक्शन के कॉम्पोनेंट्स क्लियर है यहां तक तो अब हमने लगभग सारे फोर्सेस बना डाले हैं अब किस चीज़ की बारी अब हमें इक्वेशंस लिखना है तो लिखते हैं बिंदास अभी देखो वर्टिकल वाले एक्सेस पे फोकस करो तो अगर वर्टिकल वाले एक्सेस पे हम फोकस करें तो हम क्या देखते हैं कि एन कॉस थीटा को कौन कौन बैलेंस कर रहा है ऊपर की तरफ अगर है एन थीटा नीचे की तरफ है एम जी भी और एफ साइन थीटा भी तो यानी कि एफ एन थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया दूसरा इक्वेशन लिखते हैं अलोंग दिस एक्सिस इस एक्सिस के अलोंग क्या क्या है इधर एन साइन थीटा है और इधर एफ थीटा भी है देखो एफ थीटा भी इधर है और एन साइन थीटा भी इधर है ठीक है तो इसे हम क्या लिखेंगे एन साइन थीटा प्लस एफ थीटा इज इक्वल टू और इसे बैलेंस कौन कर रहा है सोच के बताओ इसे बैलेंस कौन कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स क्योंकि वहीं से तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही तो ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है राइट सो दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वे बाई आर और ये हो जाता है हमारा दूसरा इक्वेशन अब बच्चों यहाँ पर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं देखो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ एस हमें क्या पता है ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है दिस इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन तो हम एफ की जगह म्यू एस इंटू एन लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं तो चलो लिखते हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिया म्यू एस इंटू एन यहाँ भी हमने लिख दिया म्यू एस इंटू एन तो हमने फ्रिक्शन के एफ को हटा के वहाँ पे म्यू एस इंटू एन लिख दिया ठीक है ये भी चलेगा तो अब हम क्या करेंगे पहले वाले इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि एन कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एन साइन थीटा प्लस एम जी सिमिलरली दूसरे वाले एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं एन साइन थीटा इज इक्वल टू इसको भी इधर लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एस एन थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर ठीक है हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन हैं अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये यह जो पहला एक्सप्रेशन है यहाँ से हम एन की एक वैल्यू निकालते हैं एन की वैल्यू क्या आ जाएगी दोनों एन वाले टर्म को एक तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा एन इन टू कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी यानी कि N की वैल्यू हो जाएगी एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यूएस साइन थीटा ठीक है ये हमने N की वैल्यू निकाली यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है अब इस N की वैल्यू को हम अपनी इस दूसरे वाली इक्वेशन में पुट करेंगे ठीक है ये पहले दो इक्वेशन को ही हमने बेटर तरीके से यहां पे थोड़ा नीट वे में लिख लिया था इसीलिए अगर हम चाहें तो ये ऊपर के दो इक्वेशन को हम मिटा सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे ये जो एन की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे ठीक है तो चलो पुट करके देखते हैं तो ये हो जाएगा तो अब ये एक्सप्रेशन मेरा क्या हो जाएगा एन की जगह हम डालेंगे एम जी साइन थीटा ऑलरेडी यहाँ पे था तो एज इट इज लिख देंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय जो भी इसके नीचे है दैट इज कॉस थीटा माइनस

बाई आर ठीक है ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर टू अगर मैंने एन की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी ठीक है अब अगर मैं इस टर्म को इधर लेके आऊँ तो क्या होगा इधर माइनस था इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू दिस ऐसा हो जाएगा कुछ ठीक है अब देखो अगर यहाँ पे मैं नीचे एल सी एम तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा और ऊपर क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू एम वी आर तो बच्चों अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं एक तो देखो एम हर तरफ से कैंसिल हो जाएगा ये एम 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 ये सारा कैंसल हो गया एक तो हमारा झंझट हटा अब क्या कर सकते हैं? इतने सारे साइन थीटा थीटा हैं। हम क्या करते हैं सारे टर्म्स से हम थीटा डिवाइड कर देते हैं वी कैन डू दैट बिल्कुल वी कैन डू दैट तो क्या हो जाएगा यहां पे? तो यह हो जाएगा जी टैन थीटा प्लस म्यू एस इंटू जी क्योंकि कॉस्थीटा बाई थीटा वन हो जाएगा डिवाइडेड बाई वन माइनस म्यू एस टेन थीटा तो हमने क्या किया न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हमने कॉस् थीटा से डिवाइड कर दिया ठीक है दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट कर रहे हैं सिंपल मैथमेटिक्स कुछ बहुत रॉकेट साइंस है नहीं इसमें ऑल आई वांट टू से इज आई जस्ट वांट टू डिराइव कि हम कहां पर पहुंचते हैं किस एक्सप्रेशन पे पहुंचते हैं यहां पे ठीक है सो दिस इज वॉट यू गेट एंड दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर सो फाइनली यहां से हमें क्या मिलता है हमें मिलता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से g कॉमन निकल के आ जाएगा ऊपर से और इधर से r चला जाएगा वहाँ पे सो दिस विल बी इक्वल टू आर जी इंटू टैन थीटा प्लस म्यू एस या फिर म्यू एस प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस म्यू एस टैन थीटा ठीक है ये v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अगर v की वैल्यू निकालनी हो सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन तो काफी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन तो था एंड आई डोंट थिंक कि इसकी आपको डेरिवेशन पूछी जाती है बट द रीजन आई डिड दिस वाज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम अप्रोच करते हैं इस एक्सप्रेशन को लाने के लिए इसका आइडिया लगना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस लेसन से आपके बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें आपको ना डेरिवेशन का अप्रोच पता हो तो यू कैन एक्चुअली यू नो हैंडल द न्यूमेरिकल अकॉर्डिंगली तो इस तरीके से हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ अ कार इन सर्कुलर मोशन ऑन अ बैंक रोड ठीक है अब इसका देखेंगे हम एक स्पेशल केस हालांकि यू नोट मेक अ नोट ऑफ दिस फार्मूला याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इस फार्मूला को लेकिन इसका जो स्पेशल केस है दैट इज मोर इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट तो बच्चों ये एक्सप्रेशन हमने अभी अभी डिराइव किया था अब हम देखेंगे इसका एक स्पेशल केस स्पेशल केस क्या होता है जब वेलॉसिटी ऑफ द कार इज इक्वल टू वी नॉट जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम वेलॉसिटी अगर कार की जो वेलॉसिटी है वो ऑप्टिमम वेलॉसिटी है ये एक्सप्रेशन किसके लिए था ये तो था मैक्सिमम वेलॉसिटी के लिए कि भाई कोई भी कार अगर सर्कुलर मोशन

V max is actually V नॉट यानी कि जब हम ऑप्टिमम वेलॉसिटी की बात करते हैं वैसे केस में फ्रिक्शन हमारा जीरो हो जाता है विच मीन्स कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिकम्स जीरो तो यानी कि ये जो V है इस V O या फिर ऑप्टिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो यानी कि ऑप्टिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यही एक्सप्रेशन इसमें मी एस को जीरो कर दो तो ये क्या होगा ये हो जाएगा रूट ओवर आर जी इंटू टैन थीटा डिडेड बाई वन माइनस जीरो विच इजीरो कार यानी कि अगर हम बैंक रोड की भी बात कर रहे हैं वहां पर भी अगर व्हीकल का वेलॉसिटी ऑप्टिमम है सो दैट ऑप्टिम वेलॉसिटी इज गिवन बाई रूट ओवर आर जी टेन थीटा लेकिन जो मैक्सिमम वेलॉसिटी होती है दैट इज गिवन बाई दिस एक्सप्रेशन ठीक है बात समझ में आ गई जब वेलोसिटी ऑप्टिमम होती है वैसे केस में फ्रिक्शनल फोर्स को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है सो so, फ्रिक्शनल फोर्स का रोल वहां पे खत्म हो जाता है एज अ रिजल्ट क्या होता है लिटिल वेयर एंड टियर ऑफ टायर्स टेक प्लेस क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का आप देख रहे हो ना रोल कम हो गया तो वेयर एंड टियर भी कम होने लगता है ठीक है तो ये था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट जिसमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी एक तो लेवल रोड और दूसरा बैंक रोड तो बच्चों यहाँ पर हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया उससे हमें ये पता चला कि एक बैंक रोड में जो ऑप्टिमम वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू रूट ओवर आर जी टैन थीटा ठीक है ये ऑप्टिमम वेलोसिटी लेकिन अगर हम मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी की बात करें मतलब जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है दैट इज ऑब्वियसली ऑप्टिमम वेलोसिटी से ज़्यादा राइट right? तो जब ऑप्टिमम वेलोसिटी होती है उस कार की तो क्या होता है तो फ्रिक्शन का जो है कोई रोल नहीं होता मतलब फ्रिक्शन इज नॉट नीडेड टू प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल फोर्स लेकिन जब हम वी मैक्स की बात करते हैं मतलब ऑप्टिमम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी की बात करते हैं उस समय क्या होता है उस समय फ्रिक्शन से ही प्रोवाइड होता है सेंट्रिपिटल फोर्स जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले लेकिन अब अगर हम ऐसी वेलॉसिटी की बात करें जो ऑप्टिमम वेलॉसिटी से कम है वॉट इफ व्हीकल की जो वेलॉसिटी है वो ऑप्टिमम वेलासिटी से कम है तब वापस से फ्रिक्शन पिक्चर में आता तो है बट नाउ द फ्रिक्शन इज अप द स्लोप राइट मतलब यू समझो कि जैसे ऐसे इंक्लाइंड प्लेन की तरह बना हुआ था राइट right? क्योंकि हमारा कार बैंक रोड से जा रहा है हु? तो जब हम वी ओ की बात करते थे ऑप्टिमम वेलोसिटी की तो वहाँ फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं था इसीलिए आपने देखा था उस समय हमने म्यू एस को जीरो ले लिया था और तभी हमें ये जो ऑप्टिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ये मिला था ठीक है जब हम वी मैक्स की बात कर रहे थे यानी कि जब वेलोसिटी ऑप्टिमम वेलोसिटी से ज़्यादा है उस सिचुएशन की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने म्यू एस को कंसिडर किया था क्योंकि फ्रिक्शन वॉज इन टू प्लेस एंड फ्रिक्शन उस समय क्या कर रहा था इट वॉज ऑपरेटिंग डाउन द स्लोप मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ठीक है अब जब हम ऐसी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं जो वी ओ से कम है ऐसे केस में फ्रिक्शन पिक्चर में तो रहेगा बट द फ्रिक्शन ऑपरेट्स अप द स्लोप मतलब इधर ना हो के इस तरफ ठीक है तो इसीलिए अगर किसी व्हीकल को पार्क करना है जैसे बैंक रोड में व्हीकल मूव तो कर रहा है बट अगर व्हीकल को पार्क करना है यानी कि व्हीकल को रोकना तभी पॉसिबल होगा वेन व्हीकल को रोकना तभी पॉसिबल होगा जब टैन थीटा विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस क्योंकि यहां पर हम म्यू एस को इग्नोर तो नहीं कर सकते बिकॉज फ्रिक्शन कम्स पिक्चर बट इस केस में अगर टैन थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस तभी जो हमारा एक्सप्रेशन है दैट विल मेक सेंस और तभी हम व्हीकल को पार्क कर पाएंगे तो इसलिए कई बार आपके न्यूमेरिकल्स में ना एक छोटा सा पार्ट घुसार देते हैं कि बताओ कि किस सिचुएशन में हम इस व्हीकल को पार्क कर पाएंगे सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द मैथमेटिकल कंडीशन फॉर द सेम तो बच्चों लेवल रोड और बैंक रोड दोनों ही केस में हमने मैक्सिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला

क्या दिया हुआ है म्यू एस की वैल्यू दी हुई है एज जीरो पॉइंट टू ठीक है फाइंड द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार ऑप्टिमम स्पीड कैसे निकालते हैं वी ओ विच इज इक्वल टू रूट ओवर आर जी थीटा ठीक है जहां पर आर की वैल्यू क्या होती है रेडियस दैट इज थ्री हंड्रेड मीटर इन दिस केस तो ये हो जाएगा हंड्रेड जी की वैल्यू होती है square, theta, theta है, पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड इसकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 28.1 एट पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड विच इज आवर ऑप्टिमम वेलॉसिटी तो ऑप्टिमम वेलॉसिटी याद रखना बहुत जरूरी है अब देखो दूसरा पार्ट पढ़ो मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड टू अवॉइड स्लीपिंग अब permissible speed? V स्पीड की वैल्यू क्या होती है जो लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला था यानी कि ये फॉर्मूला भी कभी, कभी कभी काम आ जाता है चूंकि काम आ जाता है तो याद रखना जरूरी है ताकि ये हैंडी रहे क्योंकि उतना बड़ा डेरिवेशन करना तो भाई पॉसिबल नहीं है, है ना तो वी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ओवर आर जी Into mu s plus tan theta divided by 1 minus mu s tan theta. ठीक है सो आई गेस इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है सारी वैल्यूज हमें पता है आर की वैल्यू पता है जी पता है एस की की वैल्यू वैल्यू पता पता है की पता है तो वैल्यूज पुट करो एंड एंड फील फ्री टू कैलकुलेट दिस फाइंड आउट द मैक्सिमम परमिशबल स्पीड ऑफ द कार ऑन अ बैंक रोड तो बेसिकली ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट है ना इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजों से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं एक तो कार की मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन अ लेवल रोड कार की मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन अ बैंक रोड और कार की ऑप्टिमम वेलोसिटी ऑन अ बैंक रोड तो ये तीन बेसिक मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप मुझे अभी भी देख रहे हो इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आपके कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर और अगर ऐसा हुआ है तो कॉमेंट में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर और घबराने की कोई बात नहीं कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है काफी न्यूमेरिकल के टिप्स और टेक्निक भी कवर कर लिए हैं और आगे एनसीआर सोल्यूशन है ही जिसमें एनसीआर के सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा विथ ऑल द स्टेप्स इन डिटेल तो मैं आपको जल्दी ही मिलती हूं एक और नए वीडियो के साथ एक और धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय